ओके लेट अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छा मी शेयर। अच्छा, आज की जो हमारी वर्कशॉप है उसका टॉपिक है जेमिनी एआई हैकाथॉन। अच्छा, और आज की वर्कशॉप में हम कवर करेंगे कि हैकाथॉन्स क्या होते हैं, जेमिनी एआई को एक्सप्लोर करेंगे, कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलेंगे, उसको देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसरिंग होगी और टिप्स होंगी हैकाथॉन्स के बारे में। और हम ये जितनी भी चीजें देखेंगे कि हम टीम्स किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, हम जेमिनी को किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलेंगी, इसका लाइव डेमो लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसरिंग होगी। ठीक है, फर्स्टली तो मैंने ये सोचा था कि हमारे पास में हैकाथॉन्स क्या होती है, ये चीज जो होती है डेफिनेशन वगैरह इसकी, तो ये मैं स्किप कर दूंगी। लेकिन जिस तरह से स्लैक पे रिस्पॉन्स आया कि हमें पता ही नहीं है हैकाथॉन्स क्या होते हैं, हमें टीम नहीं फाइंड हो रही है, तो आई वाज थिंकिंग कि हमारे पास मोस्टली हैकाथॉन में नेचुरल साइंस के स्टूडेंट्स हैं या वो स्टूडेंट्स हैं जिनका हैकाथॉन फर्स्ट हैकाथॉन है। तो देन मुझे लगा कि स्टार्ट से इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज हैकाथॉन। तो हमारे पास हैकाथॉन्स की जो ड्यूरेशन होती है वो डिफरेंट हैकाथॉन्स की डिफरेंट ड्यूरेशन होती है। ठीक है, कोई 1 वीक का होता है, कोई 48 आवर्स का होता है, कोई 24 आवर्स का होता है, कोई 36 आवर्स का होता है। अब हैकाथॉन में होता क्या है कि हैकाथॉन में जो डेवलपर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, ठीक है, वो एक प्लेस में आते हैं इकट्ठे होकर, और वो एक जो उनको टेक्नोलॉजी दी गई होती है, जो हैकाथॉन में ऑर्गेनाइज किया होता है, उनको जो टेक्नोलॉजी दी गई होती है उसको यूज करके, तो वो कोई ना कोई अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वैसे मोस्टली इसको जो टेक कंपनीज हैं वो ऑर्गेनाइज करवाती हैं। और इसमें होता क्या है कि आप बहुत कम टाइम में अपना एक प्रोजेक्ट जो होता है आप उसको बना लेते हैं, और फिर आपको ये पता लगता है कि आपने अंडर प्रेशर किस तरह से वर्क करना है, और मोस्टली आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो सी होती है वो होती रहती है। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो है इनोवेशन, कोलेबोरेशन और न्यू कनेक्शन। इनोवेशन में हमें पता लगता है कि अच्छा ये जो टेक्नोलॉजी है ये किस तरह से वर्क कर रही है, और इवन वर्ल्ड में किस तरह की टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही है। पाकिस्तान के बाहर हम देखते हैं कि दूसरे ममालिक में वो किस तरह से कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में वर्क हो रहा है, और प्रोग्रामर्स जो से हैं वो किस किस तरह से वर्क कर रहे हैं। हमारे जो कनेक्शन होते हैं वो हम सिर्फ एक कंट्री में कनेक्शन नहीं बनाते हैं, जब हम डिफरेंट हैकाथॉन्स में जाते हैं हमारी डिफरेंट टीम्स होती है, डिफरेंट टीम्स में हमारे पास डिफरेंट पीपल होते हैं, और वो हमें नहीं पता होता है कि वो किस कंट्री से हैं, कहाँ से नहीं है, तो हमारे पास वो एक एक अलग ही न्यू पर्सन होता है, उसके साथ हमारा न्यू कनेक्शन बिल्ट होता है, और उसके साथ हम एज अ टीम हम उसमें वर्क करते हैं, और वो पर्सन हमें जानना शुरू करता है कि अच्छा हम किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उसके मुल्क में किस तरह से काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें इस तरह से चलती हैं, और हमारा बेसिक जो पाकिस्तानियों का बेसिक्स होता है कि वो इन टीम से अपने एलओआर निकलवाएं। ठीक है, और सेकेंड थिंग जो है कि हमें हैकाथॉन में जाना ही क्यों चाहिए। ये है कुछ रीजंस की जिसकी वजह से हमें जाना चाहिए, कि जैसे हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड होता है कि अच्छा हम जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना हैकाथॉन में वो इतने स्ट्रोंग होते हैं कि जो अगर हम इंटर्नशिप कर रहे हैं या हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसको 1 महीने में, 2 3 महीने के अंदर अंदर हम उसको कवर अप करते हैं, लेकिन हैकाथॉन में हम 1 हफ्ते के अंदर ही एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जो इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होता है कि अगर हम उसको अपने पोर्टफोलियो में लगाते हैं तो वाकई में वर्थ रखता है। ठीक है, हम न्यू पीपल से मिलते हैं, हमारे कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, वही बात, नई चीजें, नई टेक्नोलॉजीज हम लर्न कर रहे होते हैं, और इंटरनेशनल एक्सप्लोरर होते हैं कि दुनिया में किस तरह से काम हो रहा है, पाकिस्तान के बाहर किस तरह से काम हो रहा है, टीम वर्क हम करना सीखते हैं, और वही बात, अंडर प्रेशर वर्क करना सीखते हैं, लोगों से हमने किस तरह से कम्युनिकेट करना है वो सीखते हैं, हमें रिक्रूटर्स मिलते हैं। इवन आपने देखा होगा कि आईकोर्ट पे काफी दफा अनाउंस हुआ है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हैकाथॉन में ही जॉब्स का पूछ लिया गया। इवन मेरी थर्ड हैकाथॉन थी, और तो मुझे भी यूके में एक बंदे का स्टार्टअप था, उसने मेरे से पूछा कि भाई मैं उसके साथ काम करूं, लेकिन अच्छा, तो इस तरह से आपको ना मोस्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे मिलती है, और बिल्कुल भी आपका 1 रुपया भी यहाँ पे खर्च नहीं होता, ये बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जॉब वगैरह की तलाश में हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको जॉब वगैरह मिले, तो आपको वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी मिलती है, अगर आपने
ये जो जेमिनी हैकाथॉन है लैब लैब का है, अगर अपने लैब लैब का सर्वर आपने अगर एक्सप्लोर किया हो तो वहां पे आपको मिलेगा कि वहां पे अनाउंसमेंट्स आती हैं जॉब के हवाले से भी, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ विन करते हैं, अगर आप हैकाथॉन विन करते हैं दैट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर योर पोर्टफोलियो, ठीक है। सो अगर हम इसमें देखें कि कौन कौन से लोग हैं जो हैकाथॉन अटेंड कर सकते हैं, तो एनीवन कैन ज्वाइन हैकाथॉन। अगर अब बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे भाई हम तो नॉन टेक से हैं, हमें तो पता ही नहीं है क्या होता है क्या नहीं, तो अब यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स जो से हैं वो यूनिवर्सिटी से ही हैं, ठीक है। तो उनको क्या होता है, उनको उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई होती है, उनको उनके पास क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, और सेकेंडली वो ये भी देखते हैं कि अच्छा उनको पावर पॉइंट स्लाइड्स वगैरह भी बनानी आती हैं, ठीक है। तो हैकाथॉन में हम पावर पॉइंट स्लाइड्स वगैरह भी बनाते हैं, तो अपने इंट्रो में कभी ये ना लिखें कि आपको सिर्फ पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी आती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। सो इसमें जो क्वेश्चंस मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं कि इज इट फ्री, यस इट इज फ्री। मैंने अब तक कोई हैकाथॉन नहीं देखी है कि जिसमें हमें जरा सा भी पे करना पड़े। इवन आईकोर पे आप कोई भी हैकाथॉन देखेंगे जो अनाउंस की होगी, उसमें आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिल्कुल ही फ्री होती है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन कि हैकाथॉन क्या है, हम किस तरह से कर सकते हैं, तो हमारे क्या बेनिफिट्स होंगे इसके बारे में, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन किसी का। अब टीम हमने कैसे ज्वाइन करनी है ये सब हम लाइव डेमो में देखेंगे। या एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे भी आपने कहा कि हमारे पास इंटरव्यू की कॉल इंटरव्यू भी आ सकते हैं और हमें जॉब भी ऑफर हो सकती है। सो बिकॉज हमें ये भी एंड यू नो इट डज मेक सेंस कि अगर हम हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारा जो मेन टारगेट होगा वो या तो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना होगा या तो फिर वी माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर बिग टेक। तो अब मतलब बिग कंपनीज। तो अब अगर हमारे पास वहाँ पे जॉब ऑफर हमारे पास आ जाती है, सो लाइक मतलब इज इट ओके टू डिनाई इट? आई मीन या सो यस व्हाट इट इज शुड बी ओके। आवर अप्रोच? अच्छा तो सर जफर कहते होते हैं कि अगर आपने गूगल में जाना है तो ये जो चीजें होती हैं ये आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। अगर आपको जॉब की जरूरत नहीं है तो आप ना करें। तो अगर आपको लगता है कि आपका गुजारा हो रहा है जॉब से, तो आप फिर तैयारी करें, स्कॉलरशिप की तैयारी करें, अपने एलआवर्स पकड़े एंड दैट्स इट। या लाइक मतलब व्हाट इज द राइट वे टू, बिकॉज हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं मुझे जॉब नहीं करनी है, टाटा बाय बाय। सो आई एम जस्ट क्यूरियस कि व्हाट इज द राइट आप वे टू इसको, हाँ डिनाई दैट? वो आपको ऑफर करेंगे कि आर यू इंटरेस्टेड, तो आप कह दीजिएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड दैट्स इट। तो उसके आपके रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके कनेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ओके आप ओके उसके साथ फिर भी अच्छे से जो पॉजिटिव ताल्लुकात हैं आप उसके साथ वो रखें, और बाद में इन फ्यूचर में भी आपको जरूरत पड़ जाए उस बंदे की, तो आप उसको जब अप्रोच कर सकती हैं कि भाई हाँ अब मैं फ्री हूँ, तो अब मैं जॉब करना चाह रही हूँ, तो अगर आप मुझे अब जॉब दे सकती हैं तो आई एम ओके, ठीक है। तो सही। ये टाइम टू टाइम आप पे डिपेंड करता है कि आपने करनी है नहीं करनी है, ठीक है। तो मोस्टली सर जफर तो ये कहते हैं कि हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वो मना ही करते हैं मोस्टली। या इस वजह से आई वाज काइंड ऑफ क्यूरियस कि लाइक व्हाट शुड बी आवर अप्रोच। ओके अच्छा, टिप्स फॉर हैकाथॉन के, हमें इवेंट से पहले हमें क्या करना चाहिए? अच्छा अगर तो आप बिल्कुल नहीं है, आपको नहीं पता कि टेक के बारे में आपको नहीं पता, तो आप सबसे पहले आपको प्रिपेयर करनी चाहिए पावर पॉइंट स्लाइड्स, और सेकेंडली आपको देखना है कि वो जो टेक्नोलॉजीज जिस पे आप वर्क करना चाह रहे हैं उसको एक दफा एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि जब आपके टीमर्स आपके बारे में मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में पूछे तो आपको हाउ नो जरूर होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आपने अपना जो वर्क इन्वायरमेंट है, लाइक आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, वीएस कोड आप यूज कर रहे हैं, आप जुपिटर यूज कर रहे हैं, तो उस तरह से, और आपके पास अगर आप जब टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर कर रहे होंगे ना, तो आपके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज वगैरह आएंगे, तो मोस्टली ये होता है कि आपको टेक्नोलॉजी में काम नहीं आता है, आप नहीं करना चाह रहे, आपसे हो नहीं रहा है, तो आप वहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, हम वहाँ पे अपने क्रिएटिव आइडियाज दे सकते हैं, जिसपे की टीम एग्री करती है कि अच्छा ठीक है हम इस आइडिया पे वर्क करेंगे। मेरी जो फिफ्थ हैकाथॉन थी तो उसमें मैंने यही किया था, मैंने वहां पे बिल्कुल कोई काम नहीं था कि मैंने वहां पे बस ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, मैंने वहां पे सिर्फ एक आइडिया दिया था, और वो बाकी पूरी टीम ने उस आइडिया पे वर्क किया था, और वो जो टेक्नोलॉजी थी उस पे मुझे मुझे उसका कुछ भी नहीं था पता, ठीक है, मैं बस उनको देख रही थी काम करते हुए,
ओके, तो इस तरह से होता है। अच्छा, ड्यूरिंग हैकाथॉन आपने क्या करना है, जो स्मॉल अचीवमेंट्स होती है ना गोल्स के, अच्छा मैंने न्यू चीज, आप ना मोस्टली फोकस कीजिए कि आप ना कुछ जरूर न्यू जरूर सीखें, ठीक है। और जब भी कोई ना कोई मीटिंग हो, या फिर आप ऐसा हो कि डिस्कशन हो रही है ग्रुप में और आपको पता नहीं चल रहा है कि डिस्कशन हो किस बारे में रही है, यार मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ, तो आप उस वक्त टीम को बोले कि अच्छा हम ना इसके बारे में ना एक मीटिंग करते हैं, कोई ना कोई मीटिंग रख लें, ठीक है। तो मीटिंग में जब आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि अच्छा लोग किस सेंस में बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी किस सेंस में बात हो रही है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अपना गिटहब अकाउंट बनाएं, और आपको पता होना चाहिए कि आपने गिटहब पे अपना कोड किस तरह से पुश करना है। अगर आपको नहीं पता, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और वर्कशॉप की नेटवर्किंग में अपना पार्टिसिपेट जरूर करें, ठीक है। और जो टीम में पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है, वो अपना बरकरार रखें। हैकाथॉन है, अब जो है, अब हमने हैकाथॉन का जान लिया कि क्या क्या होता है, हमें हैकाथॉन की टिप्स भी बताएं क्या क्या है, और ड्यूरिंग हैकाथॉन हमने क्या क्या करना है। अब इसके बाद के हमने, अच्छा रजिस्टर किस तरह से होना है, हमने टीम किस तरह से ज्वाइन करनी है, और हमारी जो टेक्नोलॉजी है इस हैकाथॉन पे वो क्या है, और हम उसको किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमें कंटेंट जो है उसका वो कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। अब हम इसका लाइव डेमो देखेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नोन, मैडम, हम एज अ फ्रंट एंड डेवलपर उसमें वो कर सकते हैं पार्टिसिपेट? जी बिल्कुल, आप एज अ फ्रंट एंड कर सकते हैं। आप उनको जाके बताएं कि भाई मैं फ्रंट एंड एक्सपर्ट हूँ, तो मैं तो आपको जरूर रखेंगे। इवन आप वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं तो उनको फ्रंट एंड की काफी जरूरत होती है। और सेकंडली ये कि मैं अभी हैकाथॉन में थी, तो एक्चुअली वो हैकाथॉन लंदन का था, तो मैं एमई उसमें मैंने पार्टिसिपेट वगैरह कर ली, मुझे बाद में पता चला कि वो सिर्फ लंदन में है, तो उसको वर्चुअल ज्वाइन नहीं किया जा सकता। मुझे बाद में मुझे काफी डीएम्स आए और उन्होंने मुझसे सिर्फ फ्रंट एंड के बारे में पूछा कि आप फ्रंट एंड कर सकते हैं तो आप हमारी टीम ज्वाइन कर लें। तो इस तरह से आपको जरूर रखा जाता है, अगर आप फ्रंट एंड में भी हैं तो दैट्स रियली गुड पॉइंट फॉर यू। अच्छा मोहम्मद इरफान, जी आपका क्वेश्चन है। मैम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने लेकिन पहले एक्सप्लोर की हुआ है जो ये है तो बहुत है। लेकिन मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम टीम ज्वाइन करते हैं उनके साथ कोलाबरेशन के लिए, 2 दिन के बाद पता चलता है वो टीम मेंबर की तरह चला जाता है, तो इस तरह इससे की 2 महीने की कैसे टैकल करेंगे ताकि हम हमारी टीम में ना वो हम एक ही प्लेटफॉर्म में के साथ इकट्ठे जोड़ के रहे हैं ताकि अपना वो जो है हेडफोन है उसको सबमिट कर सकें। आपकी वॉइस वैसे क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है, आपकी वॉइस वैसे क्लियर नहीं आ रही, लेकिन मुझे लग रहा है आप ये पूछ रहे हैं कि अगर हम कोई टीम ज्वाइन करते हैं और वो जो टीम मेंबर्स हैं वो बाद में लीव कर जाते हैं तो हम क्या करें। तो अगर तो आपके पास टाइम है कि आप वो जो हैकाथॉन है उसको स्टार्ट होने में अभी टाइम है, तो आप भी वो टीम लीव करें, आप नेक्स्ट टीम में मूव कर जाएं, ठीक है। या फिर उसमें टाइम नहीं है तो आप क्या करें, आप जो टीम है जिसमें आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप जी उस टीम का लिंक दूसरे ग्रुप वगैरह में शेयर करें, तो दूसरे लोग आपको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, आप उसको लीड कर लें, ठीक मैम, है। थैंक यू सो मच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज आ रही? जी सर, मैम, वो अभी तक मुझे कोई टीम मतलब नहीं मिली। मैंने मैसेज भी किया है काफ़ी कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, तो उसके अलावा और भी चीज़ें मैंने बताई हैं, लेकिन कोई टीम नहीं मिल रही मुझे वहाँ। भैया आपका ओके, भाई, योर नेम, आप 1 मिनट दिख रहा, मेरा ख्याल मैंने भाई का मैसेज जो है ना वो देखा है। आपको ना टीम खुद से बस आप ज्वाइन कर लें। मैंने आपका मैंने अपनी जी मेरी टीम के अंदर मैंने आपका मैसेज देखा था, आप बस टीम ज्वाइन कर लें, वहां पे जो ज्वाइन का लिंक होता है उसे ज्वाइन कर लें, यू विल ज्वाइन इट। चलो वो जी, जिधर ज्वाइन कैसे करते हैं वो नहीं पता था मुझे। जी जब आप टीम का पेज खोलेंगे, किसी टीम को सेलेक्ट करेंगे, तो उस पर ऊपर की साइड पर थोड़ा सा सेंटर पेज के अंदर, लेकिन थोड़ा शुरू में ही लिंक आएगा कि टीम ज्वाइन करनी है, क्रिएट योर ओन टीम, ज्वाइन टीम, ठीक है, उसका लिंक आ रहा होगा। पेज पे सर्च कर लें ज्वाइन का, आपको वो लिंक नजर आ जाएगा, तो उसे ज्वाइन कर। ओके।
ओके अभी हम यही सब देखेंगे। अच्छा ये जो लिंक है ये मेरे ख्याल से उसमें स्लैक में आपके साथ सबके साथ शेयर्ड है, ठीक है? तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के इंटरफेस में लैंड करेंगे। और यहाँ पे ऐसा है कि अच्छा पहले हम जस्ट टीम्स के बारे में देखेंगे, बाद में हम जेमिनी को देखेंगे कि आपको टीम नहीं मिल रही है, ठीक है? तो मैंने आपको स्लैक पे काफी दफा बताया कि यहाँ पे व्यू टीम्स, इतनी सारी टीम्स आती हैं, आप यहाँ पे इतनी सारी टीम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे किसी भी टीम में इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आई थिंक ये पाकिस्तानी है या एक और से है, या आई थिंक रीमा है, ये लास्ट हैकाथॉन में मेरे साथ थी। ओके तो इस तरह से ये देखें, ये काफी जो है लोगों ने इस तरह से टीम्स ज्वाइन की हुई है। अगर हम कोई भी रैंडमली कोई टीम खोलें तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे लोगों ने लिखा भी होता है लुकिंग फॉर अ मेंबर, सो इस तरह से जिस टीम में लिखा हो लुकिंग फॉर अ मेंबर, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे आपको नजर आता है ज्वाइन टीम का बटन, ठीक है, जो कि ब्लू कलर में होता है। अब मेरा नहीं नजर आ रहा क्योंकि मैं मेंटोर हूँ, सो दैट्स व्हाई मे बी मेरा नहीं नजर आ रहा, तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है? तो यहाँ से जाके आप कोई भी टीम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके अगर आपको फिर भी टीम नहीं मिल रही है, या फिर आप कह रहे हैं कि अच्छा मैंने इस टीम में नहीं जाना, इस टीम में नहीं जाना, और आप फिर लैब लैब, अच्छा ये लैब लैब डॉट मी है, अच्छा लैब लैब के सर्वर पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपकमिंग हैकाथॉन में ये जेमिनी अल्ट्रा एआई हैकाथॉन के नाम से आपको सर्वर ये मिलेगा। तो आपने यहाँ पे जाके ये देखें, यहाँ पे लोगों ने काफी इंट्रोडक्शन अपने करवाए हुए हैं। आप जब यहाँ पे लैंड करते हैं ना, आप देखा करें कि जो से एक्सप्लोर करें करें कि अच्छा हमारे जो प्रीवियस मैसेजेस है ना उसको जरूर पढ़ा करें कि लोग मतलब अपने बारे में क्या क्या इंटर करवा रहे हैं, किस किस तरह से इंटर करवा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और बाद में आप ये सोचें कि यार मुझे तो किसी का मैसेज नहीं आया, या मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं कि टीम ज्वाइन कर लें, या इस तरह से। तो इस तरह से आपने बैठे नहीं रहना, आपने ये जिस तरह से इन्होंने बोला हुआ है चेक दिस टीम, तो आप यहाँ पे जाके कोई भी टीम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इनको डीएम कर सकते हैं, ठीक है, कि ये बंदा है ये ज्वाइन करना चाह रहा है कोई टीम, ये तो आप इसको जाके डीएम कर सकते हैं कि भाई अगर आपको टीम नहीं मिल रही तो मुझे भी टीम नहीं मिल रही, हम ना अपनी एक टीम बना लेते हैं, ठीक है? अगर आपको डीएम करने के बाद भी आपको कोई टीम नहीं मिलती है तो आप अपनी टीम बना लें, और आप उसमें जब यहाँ पे लिंक वगैरह सेंड करेंगे तो फिर लोग आपको ज्वाइन करेंगे, ठीक है? इज इट क्लियर कि आप टीम किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं इसको, और लोगों से किस तरह से कोलैबोरेट कर सकते हैं? आप लोगों को डीएम करना शुरू करें, ठीक है? अच्छा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन के हम टीम किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं ये वो, क्योंकि अब हम हैकाथॉन के बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम जैमिनी के बारे में बात करेंगे। मैडम मुझे तो लिंक रिसीव हुआ है, मैं अभी उस पे गया हूँ और क्रिएट और ज्वाइन टीम पे क्लिक किया, मुझे तो ये शो नहीं हो रही टीम्स। टीम्स नहीं आपको शो हो रही वेबसाइट पे, ये हाँ इस से ये जो है, मैं मोबाइल में, लेकिन उसमें मुझे शो नहीं हो रही, मैंने क्रिएट और ज्वाइन टीम पे क्लिक किया। आपने हैकाथॉन में सॉरी एनरोल मैम, किया हुआ मेरा है? बिल्कुल इनिशियल क्वेश्चन हाँ है। इनरोल हुआ, मुझे ईमेल आया है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि टीम ना नजर आए, या आपको ये वाली टीम्स नहीं नजर आ रही हैं? अच्छा आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं? वैसे जो आपको ईमेल आई है ना उसमें भी लिंक होता है टीम्स तक जाने का। एंड आप इस तरह करें, ये पेज में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, नीचे जाएंगे तो ये टीम्स वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा, ये दोबारा रिफ्रेश कर लें। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप? अच्छा ठीक है, आई थिंक वो चले गए हैं। अच्छा इकरा, मुझे ये पूछना था कि मैंने लीप जो 2024 है उसके लिए मैंने ज्वाइन किया एक टीम ना, लेकिन अभी तक उसमें मुझे कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई। कल से एक्चुअल हैकाथॉन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कल तक वेट करूं कि मैं कोई और टीम ज्वाइन करूं कि ना करूं?
आप कोई और टीम ज्वाइन कर लें। कौन से हैकाथॉन में आप? लीप 2024। लीव 2024। अच्छा होगा। अच्छा मुझे उसके बारे में, अच्छा ये वाला, ये तो मैंने ऐड भी नहीं किया होगा। अच्छा ठीक है, आप कोई और टीम ज्वाइन कर लें अगर ये कल से ज्वाइन स्टार्ट हो रहा है तो, अगर आपकी टीम आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो। सही, ठीक। ओके अच्छा, यहाँ पे ना उन्होंने हमें ऑलमोस्ट सब कुछ ही बताया हुआ है जेमिनी के बारे में कि ये क्या है क्या नहीं। जिस तरह से हमारे पास चैट जीपीटी है, चैट GPT 3-4 है हमारे पास, तो उसमें क्या है, हमारे पास जो सी एडिशनल चीजें आई हैं वो है कि हम उसके साथ इमेज प्रोसेसिंग वगैरह कर सकते हैं, उसमें से इमेज जनरेट कर सकते हैं। वो बहुत मजे की इमेज जनरेट करके देता है, मैंने खुद भी उसे जनरेट करवाई हुई है। अपने पूरे जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी का, वो मैंने सारा उसी से करवाया था। उसने बहुत एक्यूरेटली, बहुत अच्छे से उसने करके दिया था। तो अब जो गूगल है उसने जेमिनी एपीआई जो सी है वो उसने इंट्रोड्यूस करवाई है, जो कि ChatGPT 4 का कॉम्पिटिटर है। ठीक है, आपको वो सारी चीजें जेमिनी में मिलेंगी जो कि इस वक्त ChatGPT 4 में मौजूद है। ठीक है, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जेमिनी। ओके अच्छा, यहाँ पे ना इन्होंने डिफरेंट लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं कि आप किस तरह से ये देख सकते हैं कि अच्छा जेमिनी और ChatGPT 4 में, मतलब के कॉम्पिटिटर, उनके बारे में ये पूरी वीडियो है इसके ऊपर। ठीक है, और टेस्टिंग फॉर जेमिनी, ये मैंने ना वीडियो देखी थी। ठीक है, और ये मुझे कोई इतनी ना इंफॉर्मेटिव नहीं लगी, मतलब इन्होंने ना बस बताया हुआ है, ये इन्होंने ना सिर्फ इतना ही बताया हुआ है कि पूरा कोड वगैरह करके इन्होंने इतना डिस्क्राइब नहीं किया हुआ। ठीक है, और गाइड है यहाँ पे, और ये है कि आप एपीआई की किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। लेट मी, ओके यहाँ पे ये पूरी गाइड है, इसमें कोई इन्होंने कोडिंग वगैरह नहीं बताई हुई है, इन्होंने बस ये बताया हुआ है कि ये मतलब अगर आप इसको ये प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये आपको किस तरह से ये वाला रिस्पॉन्स देता है, तो ये प्रॉम्प्ट देते हैं ये किस तरह से शो करवाता है। मतलब कि उन्होंने जेमिनी के बारे में बताया हुआ कि वो इमेजेस को किस तरह से प्रोसेस करके तो आपको ये वो इन्फॉर्मेशन देता है कि अच्छा ये किसके बारे में, ये किसके बारे में, ये किसके बारे में। ठीक है, जो इसकी बेसिक गाइड है ना हम उसको देखेंगे। ओके, तो ये जो लैब लैब वालों ने सबसे लास्ट में ये जो लिंक है ना, यहाँ पे आपने जाना है, गेट एपीआई की इन गूगल एआई स्टूडियो। ठीक है, अच्छा, गूगल सॉरी एआई टू कट यू स्टूडियो। ऑफ। आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आपने जस्ट मेंशन किया कि यू हैव यूज्ड चैट जीपीटी टू जनरेट इमेजेस। वेल, आई वाज अनएबल टू डू दैट। सो लाइक, इफ यू हैव एनी प्रोजेक्ट या फिर ओपन सोर्स, सो कैन यू शेयर द लिंक? अभी तो नहीं मैं कर सकती, क्योंकि ये बात मतलब 2-4 महीने पहले किया, और वो ChatGPT 4 मैंने खुद नहीं लिया था, वो ChatGPT 4 मेरे किसी फैलो ने लिया था, तो मैंने उनसे ओके, क्रेडेंशियल्स सो लिए इट्स थे। अ ठीक है, पेड सो वर्जन। ओके, या इट्स अ पेड। सॉरी टू जो कट यू आप ऑफ बात, बाय द वे। हाँ ये इमेज प्रोसेसिंग वाला चीज ChatGPT 4 में है, ChatGPT 3 जो है वो बिल्कुल फ्री है, ChatGPT 4 जो है वो पेड है। ओके लेकिन अभी ठीक है, के लिए गूगल ने जेमिनी की जो एपीआई है ये बिल्कुल फ्री करके रखी हुई है, अभी के लिए तो फ्री है, इन फ्यूचर पता नहीं अब। अच्छा, आपने गेट जेमिनी एआई एपीआई स्टूडियो पे जाएंगे, और यहाँ पे आप अपनी जो एपीआई है वो क्रिएट कर सकते हैं। गेट एपीआई की के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये लिंक शो होगा, क्रिएट एपीआई की। ठीक है, यहाँ पे जाके आप अपनी जो एपीआई है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस पे क्रिएट नहीं करूंगी क्योंकि मैंने काफी पहले इसको क्रिएट कर लिया हुआ था। ठीक है, और मेरे पास सेव है, सो डेट्स मैं अभी नहीं करूंगी। ठीक है, आप यहाँ पे जाके इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको एपीआई की जो है वो इसको आपको जनरेट करके दे देगी। ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ी मजे की चीज जो मुझे लगी थी वो है इनकी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी। ठीक है, आप जब इनकी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, आई मस्ट से कि आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। सो आई थिंक दिस इज गूगल डेवलपर्स कम्युनिटी। तो यहाँ पे आप जब जाएंगे ना तो यहाँ पे उन्होंने अलग ही चैनल बनाए हुए हैं जेमिनी के लिए, जेमिनी एपीआई के लिए, और इवन जब मैंने जेमिनी को एक्सप्लोर करना शुरू किया था ना, तो यहाँ पे लोगों ने बहुत मजे मजे के जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट आइडियाज जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे से उन्होंने ना बताए हुए थे। इवन एक बंदे ने तो अपना पूरा एक आर्टिकल शेयर किया हुआ था जिसमें उसने बताया हुआ था कि वो एंड्रॉयड में सीरी को किस तरह से हम जेमिनी यूज करके तो हम बना सकते हैं अपना सीरी।
तो इस तरह से उन्होंने पूरा ये आप एक्सप्लोर करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। और इवन आपको अगर जेमिनी एक्सप्लोर करते हैं या अपने प्रोजेक्ट में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे जाके पूछ भी सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी काफी हेल्प भी होती है। ठीक है, ये इन्होंने अलग ही चैनल्स बनाए हुए हैं जेमिनी का, बार्ड का, क्लाउड वगैरह का, ये चीज तो ये मुझे काफी अच्छी लगी, तो यहाँ से मेरी काफी हेल्प वगैरह भी हुई है। ठीक है, तो इसका जो लिंक है ना, ये इन्होंने यहाँ पे गूगल स्टूडियो में दिया है, विच इज दिस, ठीक है, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इनके सर्वर पे लैंड करेंगे। ओके, हम इनकी डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे जो मेजोरिटी है हमारे पास वो पाइथन की ही है, तो हम पाइथन में देखेंगे इसको। लेकिन अगर कोई है जो कि पाइथन यूज नहीं करता तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मिल जाते हैं गो में, नोड जेएस वगैरह के, आप इनको देख सकते हैं कि ये इनकी डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम मैम, पाइथन। आई हैव अ क्वेश्चन। या तो मैं श्योर, फ्लटर के ऊपर एप्लीकेशन डेवलपमेंट करता हूँ, बट थ्रू द फ्लटर फ्लो प्लेटफॉर्म। आई डू नॉट नो द एक्चुअल कोडिंग, आई डू इट फ्रॉम अ नो कोड प्लेटफॉर्म। तो इज देयर एनी डिमांड इन दीज हैकाथॉन्स फॉर सच डेवलपर्स और सूडो डेवलपर्स? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आपको टेक्नोलॉजी का जरूर ही इल्म हो। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट हैकाथॉन वगैरह है तो आप यहाँ पे जाके आप टेक्नोलॉजी के बारे में हाउ नो ले सकते हैं। ठीक है, कि ये इस तरह से वर्क कर रही है। आप फिर जब हैकाथॉन में जाएंगे ना, और आपके जब मेंबर्स जो से हैं, आपकी टीम मेंबर्स जो से हैं, वो जब काम कर रहे होंगे ना, तो आप उनको काम करते हुए जब देखेंगे, जब आप उनका कोड वगैरह देखेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि अच्छा ये इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे भाई मुझे तो आता ही नहीं है तो मैं हैकाथॉन में क्या करूंगा। हम बेसिकली हैकाथॉन में जाते ही सीखने के लिए हैं। ठीक है, अब आप ये बोलते हैं कि भाई मैं मुझे आता ही नहीं है, मैं कैसे सीखूंगा, तो जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कोड किस तरह से वर्क कर रहा है, तो फिर तो आप नहीं सीख सकते ना। तो आपने वहां जाना है, आपने वहां पे सीखने के लिए जाना है, आपने वहां पे देखना है कि आपके मेंबर्स जो है वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, कोड किस तरह से कर रहे हैं, वो अपना जो कंटेंट है टीम्स में वो शेयर भी होता है कि अच्छा यहाँ से ये चीज हम उठा सकते हैं, यहाँ से ये चीज उठा सकते हैं। आप वो भी देखें कि उनकी सर्च किस तरह से है। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें जब मिलेंगी तो आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हैकाथॉन में जाएंगे आप, तो आप फिर वो सारी चीजें जो आप पिछले हैकाथॉन से सीख रहे थे, फिर नेक्स्ट हैकाथॉन में आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, ओके मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मेरा ये हैकाथॉन, एक तो मुझे इसका पता नहीं है कि बिल्कुल डिटेल्स क्या हैं इसके बारे में, मैं न्यू कमर हूँ। दूसरा, सेकंडली मैम, ये जो हैकाथॉन है, एलियट कोड की बात कर रहे होते हैं, स्पेशली आई कोड ग्रुप है, जितनी भी डिस्कशंस हो रही होती है, मोस्टली मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस के लोग हैं या डाटा साइंस के लोग हैं। मैं एज ए मैथमेटिशियन, एमएस मैथ है मेरा, तो मैं भी वहाँ पे क्रिप्टोग्राफी पे कुछ काम कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत कोडिंग का मेरा भी उसमें है लिंक। तो ये हैकाथॉन को अटेंड करना और इसमें होता क्या है, ये इनिशियली ये किस तरह से है, मुझे बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है। क्या ये मैथमेटिशियन के लिए भी है? आपने शुरू से वर्कशॉप नहीं ली आई थिंक, है ना? तो मैंने मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। आप आईकोड पे न्यू आए हैं? जी, मैं वैसे तो पहले लेता रहा हूँ, लेकिन यह हैकाथॉन का मुझे अभी तक आइडिया, इवन के इसके नाम का भी आइडिया नहीं है कि ये एक्चुअली है क्या, कोई किस चीज का नाम आपने है। अभी बात की कि आप मैथमेटिक्स के आप हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी रिसेंटली एक स्टूडेंट है जो कि प्री मेडिकल एफएससी की स्टूडेंट है, और उसने हैकाथॉन अभी विन किया है। इवन शी डोंट नो अबाउट एनीथिंग, एनी कोडिंग, तो प्री मेडिकल की स्टूडेंट को उसने हैकाथॉन विन किया है। ठीक है, और अभी वो यूनिवर्सिटी गोइंग भी नहीं है, तो यहाँ से हम अंदाजा लगा जी सकते हैं कि हमें हैकाथॉन के लिए कितनी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। ठीक है, और आई थिंक उसने लीड भी किया हुआ है हैकाथॉन को, फर्स्ट हैकाथॉन था, फर्स्ट या सेकंड हैकाथॉन था, उसने उसको लीड भी किया। तो अब ऐसा होता है कि हैकाथॉन में हम क्या करते हैं, हैकाथॉन में एक डिफरेंट प्रोग्रामर्स वगैरह आते हैं, डेवलपर्स आते हैं, और वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर जो उनको टेक्नोलॉजी दी हुई होती है उसमें रहते हुए वो अपना एक प्रोजेक्ट जो उनसे होता है वो डेवलप करते हैं। ठीक है,
वो हैकाथॉन की ड्यूरेशन के ऊपर होता है कि वो ड्यूरेशन कितनी है, 1 हफ्ते की है, 24 घंटे की है, कितने की है, तो वो उसके अंदर रहते हुए एक प्रोजेक्ट जो होता है वो डेवलप करते हैं और फिर उसको सबमिट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम ये चीज कर रहे होते हैं हैकाथॉन में। और टीम हम किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप नॉन टेक हैं तो आपको पता नहीं है ये वो। आपको अगर पावर पॉइंट की स्लाइड्स तक बनानी आती हैं तो वो डेट्स इनफ। आप टीम में जाएं, आप देखें लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, और अगर आपको ये लगता है कि अच्छा मैं ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, या मुझे इसका भी नॉलेज नहीं है, तो आप उनका एट द एंड ये बोल सकते हैं कि मैं डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं वो स्लाइड्स बना सकता हूँ। ठीक है, जब आप प्रेजेंटेशन बनाने लगेंगे ना, ओके वन मोर थिंग के, अच्छा ये तो अगर हम यहाँ पे देखें ना कि सेक्स क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को अगर हम देखें तो हमें यूज टेक्नोलॉजी, टेक्निकल स्केलेबिलिटी, बिजनेस प्लान, टीम स्ट्रक्चर, ये यूजेबिलिटी, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये हमें प्रेजेंटेशन के अंदर चाहिए होती हैं, प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स के अंदर ये सारी चीजें हम लिखते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्निकल स्केलेबिलिटी, हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, हमारे सॉल्यूशंस क्या थे, हमारा बिजनेस प्लान क्या है, हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, ये जितनी भी चीजें होती है ना ये सारी हम प्रेजेंटेशन के अंदर लिखते हैं। अब वो बंदा जो प्रेजेंटेशन बना रहा होता है, जिसने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनानी होती है, अब उसको तो एक एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे थ्रेटिकल ही क्यों ना हो, राइट? तो जब आप जी उनको जाके बोलेंगे कि भाई मैं प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स बना सकता हूँ, तो वो आप खुद उनको जाके बोलेंगे कि भाई मैंने प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स बनानी है, मुझे टेक्नोलॉजी का बता दें क्या क्या है। और जब आपको बताएंगे आपको खुद ही पता लगना शुरू हो जाएगा कि ये चीजें किस तरह से वर्क कर रही है। ठीक है, उनको क्या प्रॉब्लम आई तो वो आप लिखेंगे प्रेजेंटेशन में, ये चीज जो है ये आप उन्हीं से पूछेंगे जिसने वो काम किया है। ठीक है, तो जब आप ये चीजें करना शुरू होंगे ना तो जी मैम, यहाँ आपको पे आपका प्रोजेक्ट ही एक्सप्लेन हो जाएगा इस चीज में। जी जी ठीक है, थैंक यू। इसका मुझे काफ़ी सारा आइडिया हो गया, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इस पे है भी काम है, स्लाइडों पे, प्रेजेंटेशन, रिसर्च पे, कोडिंग थोड़ा बहुत, जो सॉफ्टवेयर डिफरेंट, उसका मैं आइडिया है मुझे। दूसरा मैम, ये बताएगा, ओके ये okay. कोई वेबसाइट है जहाँ पे हम अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पे हमारी इसका टीम लिंक, बनती है, या ये क्या है मतलब? इसका लिंक जो है वो हमने स्लैक पे शेयर किया हुआ है। ठीक है, आपको स्लैक पे ये लिंक मिल जाएगा। बाकी टीम आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप इनरोल कर सकते हैं, इनरोल नाउ पे जाके। ठीक है, और जब आप इनरोल करेंगे तो आई थिंक यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है, फिर आपको कंफर्मेशन ईमेल आएगा कि हाँ आप रजिस्टर हो गए, आपकी सीट कंफर्म हो गई है। ठीक है, सरस भाई यहाँ पे है, सरस भाई है नहीं है, जी मैम, यहाँ पे आई थिंक इस हैकाथॉन में भी लेवल है वालों ने रखा हुआ है कि वो रजिस्टर होंगे, फिर उनको कंफर्मेशन ईमेल आएगा, देन वो स्टार्ट हो सकते हैं, राइट? जी मैम। तो ओके okay. हाँ तो यहाँ पे भी मैम एक और आपको इशू जो भी है, जैसे आप लोग मतलब जैसे आप लोग कह देते हैं कि इसका लिंक स्लैक पे है, तो मोस्टली यहाँ पे लोग ग्रुप में ऐसे होते हैं जो स्लैक में ज्वाइन नहीं किया होता, तो क्या ये लिंक वगैरह ग्रुप्स में शेयर नहीं हो सकते? इवन के मैंने लास्ट टाइम भी बड़ी स्लैक ट्राई आपने किया आइकॉन स्लैक की, और आप, मुझे उसकी समझ में नहीं आई बिल्कुल। मैम मैं इसका आंसर दे देता हूँ कि जब ओके आपने आईकोड गुरु की वेबसाइट पे रजिस्टर किया था हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, तो आपको एक साथ वीडियो ट्यूटोरियल भी भेजा गया था जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से सिखाया गया कि आप स्लैक कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप आईकोड गुरु की वेबसाइट अभी भी विजिट करें तो वहां पे आपको स्लैक यूज करने का प्रॉपर ट्यूटोरियल मिल जाएगा, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। दूसरी चीज, व्हाट्सएप के अंदर हम 15,000 या 16,000 स्टूडेंट्स को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसकी वजह से हम स्लैक यूज करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम, इट इज ओके क्लियर, थैंक यू। ओके तो हम जर्मनी एबीए की तरफ मूव करते हैं। तो आप में से कोई भी जो बिगिनर भी होगा, जिसको एपीआई के बारे में पता भी होगा, तो यहाँ पे कोई इतना नहीं है टेक्नोलॉजी, बस यहाँ पे इतना है कि आपको एपीआई यूज करनी आनी चाहिए कि आप एपीआई किस तरह से यूज कर सकते हैं, और जेमिनी एपीआई जो सी होती है वो हमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। ऑल्दो इन्होंने ना टू लिंक्स शेयर किए हुए हैं, एक है गूगल क्लाउड का और दूसरा है गिटहब पे सोर्स कोड, जिसको जिसको चाहिए वो यहाँ से ले ले। लेकिन गिटहब पे सोर्स कोड के अलावा आपको यहाँ पे भी सोर्स कोड मिल जाएगा, और इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा है कि मैंने ये फर्स्टली तो मैंने सोचा था मैं गूगल क्लाइव पे करवा लूँ, लेकिन ऐसा है कि गूगल क्लाइव पे जब आप
इन्वायरमेंट अपना सेटअप वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो वो कोई और चीज होता है। जब आप VS कोड में प्रॉपर सेटअप कर रहे होते हैं तो वो कोई और चीज होती है, ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि आप ना जो डेवलपर्स वगैरह होते हैं ना, अब आपने API वगैरह यूज करनी होती है या वेबसाइट्स वगैरह यूज करने, तो ये चीजें हम मोस्टली करते हैं VS कोड में, ठीक है। सो आई वॉज थिंकिंग के अब इसको सेटअप वगैरह करना ना, ये सारी चीज हम VS कोड में करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ना इसका सेटअप सारा VS कोड में किया है। गूगल क्लैब को हम एक दफा ओपन करके देख लेंगे कि ये इसमें इन्होंने क्या है, ये कुछ भी नहीं है, बस ये सारी चीजें हैं, ठीक है। बस हम ओपन करके देख लेंगे आप अपने एंड पर गूगल क्लैब किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये हम एंड पे देखेंगे। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। दिस ये जो है कमांड, ये सबसे पहले आपको अपने VS कोड के टर्मिनल में आपको ये रन करना है, ठीक है। और तो इसमें सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इस ये पाथ लीप टेक्स्ट ड्राइव इन सब का कोई इतना नहीं है, इन सब का आपको अभी नहीं चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है। आप जस्ट इसको रन करेंगे अपने टर्मिनल में, ठीक है। इसको रन करने के बाद दिस लाइन, इस लाइन को आप इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें करेंगे, उसके बाद API मैंने आपको बताया था आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, आप API जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे भी वैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी लिंक आ रहा है कि आप API किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे हमारे पास मॉडल्स की लिस्ट है, एक है जेमिनी प्रो और दूसरा है जेमिनी प्रो वी। अब अगर जेमिनी प्रो जो सो होता है वो सिर्फ हमारे पास ओनली टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के लिए यूज होता है। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट मतलब कि अगर हम किसी चैटबॉट पे बात वगैरह कर रहे हैं, जिसने चैटजीपी से हम बात वगैरह कर रहे हैं, तो वो हमें रिस्पॉन्स वगैरह शेयर करता है अपना, यहाँ से वगैरह करता है। तो वो चीज जो सी होती है वो किस मॉडल के लिए होगी, वो जेमिनी प्रो के लिए होगी। लेकिन अगर हम इमेज को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं और हम कहना चाह रहे हैं कि ये इमेज है और इसको तुम डिस्क्राइब करो भाई इस इमेज में है क्या, तो वो जो है वो जेमिनी प्रो भी करेगा, ठीक है। ये इज दो इट जस्ट फॉर ओके सो इज इट जस्ट फॉर डिस्क्राइबिंग इमेज या फिर जनरेशन मतलब इमेज जनरेशन एज वेल मतलब इसकी जो रिटर्न होगी वो टेक्स्ट ही होगा या फिर ये इमेज भी रिटर्न कर सकते हैं इमेज टेक्स्ट जनरेट को, भी कर सकते टेक्स्ट हैं आप इसको इमेज देंगे और वो आपको मतलब कि टेक्स्ट की फॉर्म में बताएगा कि अच्छा इस इमेज में क्या है, इस इमेज में क्या है, या इस इमेज में क्या है, ठीक है। ओके सही अच्छा, यहाँ पे आपको प्रॉपर उन्होंने कोड दिया हुआ है कि आप किस तरह से इसको जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह को, मॉडल वगैरह को। यहाँ पे अभी हमने बात की कि जेमिनी प्रो जो मॉडल होता है ना, वो होता है उसके लिए जस्ट प्रॉम्प्ट वगैरह के लिए, या हम बात डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए। अच्छा, जनरेटिव मॉडल, हमने जनरेटिव मॉडल की अभी ऊपर देखी कि हमने एक हमें दिया हुआ है, वो हमने इंस्टॉल करना है, जनरेटिव गूगल जनरेटिव AI, ठीक है। ये हमने अपने टर्मिनल में ये कमांड इंस्टॉल करनी है, और उसके बाद भी हमने ये वाला जो सा कोड है मॉडल का, ये कोड हमने उसमें रन करना है, ठीक है। अब ऐसा है कि आप साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरली होगा। अब मैंने यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे ऐसा है कि अच्छा यहाँ पे मैंने ना पहले ही जनरेटिव AI वगैरह ये चीजें मैंने कर ली थी। अब यहाँ पे एक चीज जो अच्छा रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट, अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे इन्होंने नीचे जाते हैं थोड़ा, यहाँ पे ना इन्होंने अपनी गूगल की API नहीं लगाई हुई, ठीक है। वो हमें इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि हम जो अपनी ये है इन्वायरमेंट, गूगल इन्वायरमेंट जो सा है हमारे पास VS कोड का इन्वायरमेंट जो सा है, उसमें हम अपनी API किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक कमांड है विच इज दिस, के हमने जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो क्रिएट किया और गूगल API की। अब यहाँ पे वेरिएबल तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में यही वेरिएबल था तो मैंने फिर यही ले लिया। आप इसको इक्वल करेंगे इस कमांड के, ठीक है, इस कमांड के आप इक्वल करेंगे। ये जो सी है ये आपकी API की है कि जिसके आप इक्वल करेंगे, ठीक है। ये कमांड आप रन करेंगे, ये चूंकि मेरी API की है तो ये मैंने लगाई हुई है, लेकिन आप अपनी API की इस पे इक्वल करेंगे, ठीक है। तो जब आप ये पूरा सेटअप कर लेंगे तो फिर जब आप इसको रन करेंगे तो फिर ये रन होगा, क्योंकि हम यहाँ पे
जो है डायरेक्टली जो है हम यहाँ पे अपनी एपीआई की नहीं लगा रहे, वैसे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने हमें बताया हुआ है प्रॉपर कि हम अपना इन्वायरमेंट किस तरह से सेट वगैरह कर सकते हैं, तो इसके लिए तो डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग अगर चले तो ये ज्यादा बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, फिर हम कोर्ट की तरफ अच्छा, आते हैं। कैन आई जस्ट एक्सप्लेन इट अ बिट? क्या कैन आई जस्ट एक्सप्लेन इट अ बिट फॉर अदर्स, ताकि मतलब किसी को समझ नहीं आता तो. सो एक्चुअली होता ये कि ये प्रोफेशनल वे नहीं है कि हम लोग एपीआई की डायरेक्ट पेस्ट करना है. तो ये जो वे है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेव करना, ये हम लोग गूगल कोलैब में भी कर सकते हैं. गूगल कोलैब में जब आप गूगल कोलैब की फाइल खोलते हैं तो वहाँ पे साइट पे आपके पास एक ऑप्शन होता है जहाँ आप एनवायरनमेंट वेरिएबल सेव कर सकते हैं. तो वो जो एनवायरनमेंट वेरिएबल अगर सेफ है तो वो दूसरों का, जब आप फाइल शेयर करेंगे गूगल कोलैब की डाउनलोड करके आपने शेयर की, तो वो दूसरों को एक्सेसिबल नहीं होगा. इसी तरीके से इन डॉट ई एन वी की फाइल आपने तो टेक्स्ट में सेव किया है, अगर आप डॉट ई एन वी की फाइल सेव करें तो जब हम अगर अपलोड भी कर रहे होते हैं अपनी फाइल्स, मतलब गिटहब पे हम पुश कर रहे होते हैं, तो वो ई एन वी की फाइल्स हम पुश नहीं करते, तो वो जो वेरिएबल्स होते हैं वो दूसरों को एक्सेसिबल नहीं होते. सो जस्ट ये लाइक एक प्रोफेशनल वे है ऑफ डूइंग थिंग्स, इट्स नथिंग एल्स. जी बिल्कुल, आपने मैडम, बिल्कुल मेरा ठीक एक बोला। क्वेश्चन है या श्योर। पूछिए। मैडम. यानी इस एपीआई के थ्रू हम करेंगे क्या, असल में कोई ऐप जनरेट करेंगे या चैट जीपीटी जैसा एक वो जनरेट करेंगे जिसको हम फिर सेंड करते होंगे, वो हमें आंसर करता होगा? अच्छा, वैसे एपीआई के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अब ऐसा है कि हम इस एपीआई के थ्रू कोई भी चैट बोट बना सकते हैं। मैंने एक चैट बोट बनाया था जैमिनी से। ठीक है, उसमें क्या होता था कि उसमें आप कोई भी फूड की पिक्चर उसको भेजते थे। ठीक है, और वो आपको जो रिस्पांस करता था वो ये बताता था कि आप एट अ टाइम कितनी कैलोरीज जो सी हैं वो गेन कर रहे हैं। ठीक है, और आपको जो आपकी न्यूट्रिशन डाइट है वो किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक आइडिया है कि आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट अबाउट कि अच्छा आपने बस एक चैट बोर्ड बना दिया, वो तो आप ये जो सिंपल सा कोड लिखा है ना, ये 4 लाइंस का, ये पूरा एक चैट बोर्ड का कोड है। ये अगर मैं टर्मिनल में रन करूंगी ना तो ये आपको पूरा एक चैट बोर्ड की तरह ही आंसर करेगा। ठीक है, लेकिन ऑल्सो एक स्पेसिफिक चैट बोर्ड बनाना है एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए, तो वो इसमें होता है कि आप वो चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ और कोड ऐड करेंगे खुद अपनी तरफ से, ताकि ये एक चीज़ के लिए या स्पेसिफिक हो श्योर, जाए. ऑब्वियसली ये तो बस जी बिल्कुल, ये बस टर्मिनल में शो होगा, बाकी ये बस बेसिक्स होगा कि अच्छा आपको ये चीजें इस तरह से करनी है, आपको डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से देखनी है, ये सिर्फ इतना होगा। ठीक है, बाकी आपके हैकाथॉन के प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का हैकाथॉन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप जेमिनी एपीआई को यूज करेंगे। आपको बेसिक इसमें ये पता होना चाहिए कि इसमें दो मॉडल्स हैं, एक जेमिनी प्रो, एक जेमिनी प्रो वर्जन। ठीक है, जेमिनी प्रो जो होता है वो सिंपल चैटबॉट के लिए होता है, जेमिनी प्रो वर्जन जो होता है वो हम इमेजेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जहां इमेजेस की बात आ जाएगी आपने जेमिनी प्रो वर्जन यूज कर लेना है, जहां इमेजेस की बात नहीं आएगी आपने सिंपल जेमिनी प्रो यूज करना है। ठीक है, ये दो चीजें यहाँ पे, और आपको थर्ड ये है कि आपको अगर एपीआई की यूज करनी आती तो वेल एंड गुड, तो ये बिल्कुल सिंपल है कि आपने एपीआई की यूज किस तरह से करनी है, दैट्स इट, और इसमें कोई इतना नहीं है। ठीक है, सही है, अब थैंक सबको यू. ये तो पता है ना कि एपीआई क्या होता है। आई होप कि सबको ये पता है कि एपीआई क्या होता है। अच्छा, ये अब सब सब मैं, लोग एक रात शायद सब लोगों को ना पता हो कि एपीआई क्या होता है, तो नो मैम, नहीं थोड़ा सा पता, बता बता दो। दें. सिर्फ बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं. जी समझता, आप बता देंगे, आप गाइड कर देंगे। जी मैं बता देता हूँ, एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एप्लीकेशन है कोई और आपने अपनी प्रोग्रामिंग करनी है और किसी एप्लीकेशन के साथ आपने इंटरफेस करना है। अब अगर आप खुद अपना चैट जीपीटी बनाएं तो वो तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए, आपने उसको एज ए सर्विस यूज करना ही नहीं। आपने कहना है जी के आप जो आप चैट जीपीटी को मैसेज करते हैं या आप उसको प्रॉम्प्ट करते हैं कि मुझे इसका जवाब चाहिए, आप ये करें कि अपने प्रोग्राम के थ्रू वो जवाब लेना चाहते हैं।
देन यू नीड टू इंटरफेस विद द एप्लीकेशन, चैट जीपीटी एप्लीकेशन, आपको उसके साथ इंटरफेस करना पड़ेगा। तो दैट इज एपीआई। आपको आपको जो उसकी सर्विस को कॉल करने की का लिंक है या उसके फंक्शनैलिटी को कॉल करने का लिंक है, उसे एपीआई कहते हैं। सो बेसिकली एपीआई इज एन इंटरफेस। इट इज एन इंटरफेस, या इस इंटरफेस करने के लिए दूसरी एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन को कॉल करने के लिए अपनी एप्लीकेशन के अंदर उसका इंटरफेस होता है। इससे क्या होता है कि आपको सब कुछ खुद डेवलप नहीं करना पड़ता, आप फोकस करते हैं अपनी फंक्शनैलिटी के ऊपर, अपने काम के ऊपर, और दूसरे का जो काम होता है थोड़ा या ज्यादा, जैसे चैट जीपीटी के केस में तो बहुत बड़ी चीज है, तो आप उसका इंटरफेस यूज करके वो सारी की सारी सर्विस यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। आपका जो प्रोग्राम यूज करेगा, जो आपका कस्टमर या क्लाइंट होगा, उसको पास वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी आ रही है जो पीछे चैट जीपीटी ने बनाई हुई है थ्रू योर एप्लीकेशन। तो आप ही एप्लीकेशन ऐसे यूज करेगा जैसे कि वो चैट जीपीटी की सहूलत यूज कर रहा है। और हर एप्लीकेशन की अपनी एपीआई होती है और आप उस एपीआई को एक्सेस कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जी आप कर सकते हैं, आप जो है ना वो अपनी एपीआई भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आपको इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन का इंटरफेस बनाना है तो आपको इंटरफेस बना के फिर एक्सपोज करना पड़ेगा बाहर की दुनिया को, तभी वो उसको एक्सेस कर सकें। क्या आप एपीआई दिखा सकते हैं हमें चैट जीपीटी की? एक आप दिखा सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन आप चैट जीपीटी के किसी ट्यूटोरियल से दिखा सकते हैं, या आई डोंट नो इफ इफ दिस द पर्पस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप इज दैट और नॉट। एक्चुअली सर एक्चुअली अभी हम जेमिनी को देख रहे हैं, क्योंकि हैकाथॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, इस हैकाथॉन के बारे में। तो मेरे ख्याल से हाँ चैट जीपीटी भी जो एपीआई है और जेमिनी की जो एपीआई, वो मोस्ट प्रोबेबली सिमिलर ही तो है, अगर हम एक को ही देख लें तो ठीक है डेफिनेटली। ठीक है, फिर लेट इट गो देन, इट्स ओके, नो वरीज। मैम एपीआई के साथ मैं कुछ एक दो वर्ड ऐड कर दूं। श्योर। एपीआई हमारे पास एंड पॉइंट्स होते हैं जिनको हम यूज करके डेटा भेज सकते हैं और डेटा फेच कर सकते हैं। सिंपल। ओके थैंक यू ओके मूविंग फॉरवर्ड। मैम, अच्छा, एपीआई प्रैक्टिकल की प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होगी? हाँ एग्जांपल क्या होगी एपीआई की? हाँ तो सर अभी हम एपीआई या तो न्यू। अभी हम एपीआई की प्रैक्टिकल एग्जांपल ही देख रहे हैं कि ये हम एपीआई जनरेट, मैंने आपको बताया कि आप एपीआई किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। गूगल ने एपीआई लॉन्च की है अपनी, तो वो एपीआई आप किस तरह से जनरेट कर सकते हो, आप उसका किस तरह से यूज कर सकते हैं। मैंने अपनी जनरेट की हुई है, मैंने आपको तरीका बताया है कि आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे जाके अपनी एपीआई जनरेट करें, ये डॉक्यूमेंटेशन खोलें, इसको एक्सप्लोर करें, इसमें जो सा कोड लिखा हुआ है उसको कॉपी पेस्ट करें और उसको अपने टर्मिनल में रन करें, तो आप उसको आउटपुट जरूर देखेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके ओके। यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे जो सर है उन्होंने रिस्पॉन्स अपने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, तो वो उसके बारे में बताएगा। लेकिन अगर हम मतलब प्रॉपर एक चैटबॉट बनाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि अच्छा हमारे पास, हम जो उसको प्रॉम्प्ट वगैरह दें वो स्टोर भी होता रहे और नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे वो हमें आंसर करता रहे, बस हम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर नहीं चाह रहे, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, ये चीज, ये जो है कोड, उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जाके इसको रन करें, ये सारा वही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग का पता है तो यहाँ पे आपको पता होगा कि हमने जो सी है एक वाइल लूप लगाया है, और हमने सिंपल उसमें कुछ भी नहीं किया है, बस हमने उसको इनपुट दिया हुआ है, इनपुट जो भी यूजर इनपुट देगा। ठीक है, और हम उसे रिस्पॉन्स जो सा है वो गेट करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे सारा ये सारा कोड जो जितना भी है, ये ऊपर से ये सारा कोड जितना भी है, ये तो सारा डॉक्यूमेंटेशन से ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बस ये एक चीज है जो हमने किया है, बल्कि ये भी जो चीज है ये भी डॉक्यूमेंटेशन ने अभी हमें बताई है कि रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट हम किस तरह से कर सकते हैं और ये इनपुट किस तरह पाइथन से कर में लिखी सकते गई हैं। है, पाइथन ठीक है, कोड है ये। ये पाइथन, जी बिल्कुल ये पाइथन है, मैम ये कोड हमें कहाँ से मिलेगा? ये कोड मैंने आपको बताया है, आपको लैब लैब की वेबसाइट पे आपको लिंक 4 मिले हुए हैं, तो वहां पे फोर्थ लिंक जो सा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम ब्राउजर पे मैं जाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है,
अभी अगर मैं इसे पूछूं कि ठीक अच्छा है आया मिक्रा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, लेट्स सी कि ये हमें किस तरह से रिस्पॉन्स करता है. सो या जेमिनी हमें रिस्पॉन्स किया है, हेलो इकरा, इट्स नाइस टू मीट यू, हाय जेमिनी मल्टी मॉडल एआई मॉडल, तो ये चीजें ठीक है. और इसने अपनी एबिलिटीज भी बताई हैं कि मेरे पास एबिलिटीज क्या क्या हैं. एनएलपी कर सकता है, क्वेश्चन आंसरिंग, इंफॉर्मेशन रिट्रायल, ट्रांसलेशन, क्रिएटिव राइटिंग, कंसिस्टेंट लर्निंग, इंप्रूविंग, एंड आई एम ऑलवेज ईगर टू हेल्प पीपल विद देयर लैंग्वेज. तो ये एक क्वेश्चन है जो हमने उससे पूछा और उसने हमें इसके लिए आंसर किया. ठीक है, तो ये एक प्रॉपर हमारा चैटबॉट जो एक टर्मिनल में हमारे लिए वर्क कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एक एपीआई और ये 10 लाइंस का कोड बस. ठीक है, सो इज इट क्लियर कि हम किस तरह से एक सिंपल चैटबॉट हमने किस तरह से बनाया है एक जेमिनी एपीआई को यूज कर. और ये कोड कोई मैंने खुद से नहीं लिखा है, ये कोड मुझे यहाँ यहीं से मिला है, ये मैंने यहीं से उठाया है ये सारा. एक्सक्यूज मी यहाँ मैम, क्वेश्चन है मैम, ये जो जी आप श्योर. यूज कर रही हैं जेमिनाई का मॉडल, ये आपके पीसी पे चल रहा है ना? सो डू यू नीड अ जीपीयू टू रन दिस जी या विदाउट जीपीयू भी चल जाएगा? नो, मेरे मतलब मुझे समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन मैम क्योंकि जो हैवी मॉडल्स क्या होते बोल. हैं उनको तो जीपीयू चाहिए होते हैं ना, टू रन एंड ट्रेन एंड ये फॉर इंफरेंस एंड स्टफ। नहीं, कोई इतना 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 कोई हैवी नहीं नहीं है मेरे होता। तो टर्मिनल में, बिल्कुल इतना नहीं है ये, इतना है हाई मॉडल नहीं है. ओह हाँ सही है, सॉरी माय बैड, एपीआई है, एपीआई कंफ्यूज। इट्स जस्ट एन एपीआई, इट्स जस्ट एन आई एपीआई, डोंट या कोई इतना हाई लेवल मॉडल नहीं है. ठीक है, एंड आई डोंट थिंक कि वो मॉडल आपके एंड पे चल रहा है, इट इज रनिंग ऑन अ सर्वर। आप जैसे एक कॉल कर रहे हो और वो वहां से रन करके आपको रिस्पांस दे रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही ओके है. बेस्ट हो गया ठीक है, मैडम, मेरा एक तो क्वेश्चन ये सिंपल था. ठीक है, ये चैटबॉट के हम उससे किस तरह से चैट कर सकते हैं. जी बिल्कुल पूछे. है मैडम, आपने टॉपिक एमएच प्रोसेसिंग पे काम किया है ना, तो उसमें अगर हम जी कुछ क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन अगर मैंने पेपर पे लिखे हैं, उसका पिक्चर निकाल के मैं एआई को सेंड करूं, तो वो मुझे तीनों क्वेश्चन का आंसर करेगा स्टेप बाय स्टेप? पता नहीं, आवाज नहीं आ रही मुझे, किसी और को आ रही है? यानी यानी मेरे साथ अगर एक इमेज है जिसमें एक 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इमेज की ओके तरह इट हम कैन अभी बी, आते हैं. अभी अभी हम इमेज की तरफ आते हैं. ठीक है, अभी हम इसको सही सिंपल देख रहे हैं, अभी इमेज वाला भी हम देखेंगे, उस वक्त क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है, जब हम उसकी तरफ जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे हमने सिंपल देखा कि क्या है, और सेकेंडली हमारे पास एक और जो है वो प्रोवाइड करता है फीडबैक प्रॉम्प्ट के बारे में. ठीक है, इसके लिए अगर हम कोई भी नेगेटिव प्रॉम्प्ट वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स के जिसमें मतलब वो हमें बताएगा कि अच्छा ये हार्मफुल है, ये निग्लिजिबल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस तरह से वो अपनी जो फीडबैक है तो वो भी दे सकते हैं. लाइक अगर मैं बोलूँ, अगर ट्रांसफॉर्मर के बारे में अगर हम बात करें, किसी को पता हो, तो वो हमें उसकी एक पाइपलाइन है, एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, उसके बारे में वो बताता है कि अच्छा उसका स्कोर जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो क्या है क्या नहीं. ठीक है, इमोशनल वगैरह डिटेक्ट करने के लिए. ओके, तो इस ये चीज हमें जेमिनी भी प्रोवाइड करता है. ठीक है, ओके. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास चंक्स हैं कि अच्छा यहाँ पे अगर आप ये फॉर लूप यूज करते हैं ना कि चंक्स वगैरह क्या हैं और इसको आप टेक्स्ट में किस तरह से यूजेज कर सकते हैं, आप जस्ट एक ये जो है ये आप सिंपल अपने कोड में पुट कर तो आप यूज कर सकते हैं. इसमें क्या होगा, इसमें आपको वो एवरी टाइम एवरी कन्वर्सेशन के बाद वो आपको इस तरह से ये जो हम प्रिंट करवा रहे हैं, कोई भी चंक हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो वो इस तरह से आपको रिस्पॉन्स करेगा. ठीक है, लाइक दिस. ओके, इट्स नथिंग, ये बस इन्होंने प्रिंट करवा के बताया हुआ कि ये किस तरह से करेगा. ठीक है, तो ये मैंने इसको किया नहीं है. ठीक है, ये फिर वही एक्सेप्शन हैंडलिंग उन्होंने बताई हुई है कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई हैंडलिंग ये किस तरह से कर सकते हैं. ये तो अब
जो बेसिक्स है उसकी, अगर किसने आपने ओ का कोई लिया हो आईकोड पे कोर्स, या फिर बेसिक प्रोग्रामिंग पाइथन का लिया हो, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि एरर हैंडलिंग क्या होती है, तो ट्राई क्या होता है, एक्सपेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बताई गई होंगी, ठीक है। ये बस उन्होंने वही बताया होगा कि आप उसमें किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मॉडल आता है जेमिनी प्रो वेरिएंट का मॉडल, ठीक है। इसमें हम इमेजेस वगैरह की बात करेंगे। यहाँ पे उन्होंने सिंपल एक इमेज, उन्होंने कोड दिया हुआ है और एक इमेज दी हुई है, और उसके बारे में वो उसको पूरा डिस्क्राइब करेगा कि अच्छा हाँ ये चीज इस तरह से वर्क करे, ये चीज इस तरह से वर्क करे, एवरीथिंग के यहाँ पे क्या क्या, उन्होंने फोर्ड की इमेज दी हुई है तो वो सारा कुछ फोर्ड के बारे में बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल वही के राइटर शोर ब्लॉग पोस्ट इसके बारे में लिखे, और रिस्पॉन्स हम किस तरह से उससे गेट कर सकते हैं, तो इसका भी मैंने किया था, विच इज दिस इज ओके। ये सारा कुछ वही है कि हमने वही एपीआई लगाई है, वही सब कुछ, ये सारा कोड बिल्कुल वही है, बस हमने इमेज के लिए हमने ये जो लाइब्रेरी है पीआईएल, ये हमने इंपोर्ट की है, ठीक है, पाइथन में। ये पाइथन की अपनी है, ठीक है, ये जेमिनी ने हमें प्रोवाइड की, ये पाइथन की ही आई थिंक लाइब्रेरी है, तो ये पाइथन में हम यूज करते हैं, ठीक है। उसमें हम सिंपली वही मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपने ये चीज का ध्यान रखना है, हमने इमेज यूज करें तो हमने अपने मॉडल का क्या नाम रखा है, जेमिनी प्रो वेरिएंट को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इमेज जो है, इमेज का लिंक ये है डेटाबेस डॉट पीएनजी, और हम उससे रिस्पॉन्स गेट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस फाइल को अगर मैं रन करती हूँ, अच्छा पहले हम इसको स्टोर करते हैं, देखते हैं हम इसकी आउटपुट कैसी आती है, आती है कि नहीं, आनी चाहिए। ओके, दिस इज एन ईआरडी डायग्राम, मॉडल्स और ट्रैक फूड प्राइजेस डाटा सेट्स। इवन मैंने इसको ये भी नहीं था बताया हुआ कि ये मतलब मैं ये है मेरा जो यूनिवर्सिटी का FYP का प्रोजेक्ट ना, ये जो इमेज है डेटाबेस डॉट पीएनजी, ये जो इमेज है ये आप देखें, ये इमेज जो है ये ChatGPT से ही मैंने बनवाई थी, ChatGPT 4 से, ठीक है। अब वही इमेज मैं जेमिनी से मतलब के उससे मैं बता रही हूँ कि अच्छा भाई ये जूम ही हो जा रही है, ये अब कैसे होगा, कोई बताएगा, ये जूम हो यार ही जा रही है तो से ये शिफ्ट शिफ्ट दबाएं, ऑल्ट दबाएं तो वो जूम आउट होना शुरू हो जाएगी। शिफ्ट या ऑल्ट दबा के क्लिक करें, दबा नहीं सिर्फ शिफ्ट या सिर्फ ऑल्ट। अभी तो ये रही, लेकिन प्लस नहीं पे हो गया रहा हुआ है। ना आपके कर्सर, दो ये फिंगर से और आप जो है जूम आउट कर दें, या कंट्रोल माइनस ट्राई करके देखें। नहीं हो रहा है, यस कैसे मैडम, होगा इसको तो ऊपर से फिंगर कट से, करके दोबारा खोलें। ये आई गेस कंट्रोल माइनस जो कह रहे हैं वो ट्राई कर लें एक बार, उससे हो जाएगा। मैडम इसको ओके ऊपर से ऐसा कट नहीं है, करके इसलिए दोबारा से ये ओपन कर ली। क्या हो रहा है, नहीं इसको कंट्रोल प्लस दोबारा करना, ये इसने किया कि ये तो हाँ वो पैसे ज्यादा पूरा खराब जी। नहीं, इसने एक्चुअली वीएस कोड पे ही उसको ही छोटा कर दिया है, तो इट्स ओके आप कंट्रोल प्लस कर दें तो वो जूम इन हो ओहो, जाएगा, वो पूरे वीएस वीएस कोड कोड बंद के करके समान। ओपन करती हूँ मैं, यस रुक जाओ तुम लोग। नहीं, हाँ कंट्रोल प्लस करें तो वो सही हो जाएगा, वीएस कोड सही हो जाएगा आपका। पूरा सेटअप दोबारा करो, कंट्रोल शिफ्ट वीएस कोड प्लस बंद कर दिया प्रेस मैंने। करें। ये तो नहीं हुआ ठीक, नहीं ये रीस्टार्ट नहीं करें, आप कंट्रोल प्लस करें तो वीएस कोड जो आपका जूम आउट होता जा रहा है ना वो जूम इन हो जाएगा, वो जो कंट्रोल माइनस है वो वर्क कर रहा है जस्ट वीएस कोड के लिए, इमेज के लिए नहीं कर रहा। अच्छा मेरा इंटरनेट ही चला गया था, मेरी आवाज क्लियर है? अच्छा यस मैम, यस मैम। ये तो नहीं हुआ ठीक, ये अगर मतलब मैडम इस इमेज इमेज को कट इमेज का करके आप कंट्रोल दोबारा प्लस प्लस कर,
इमेज कंट्रोल बनने के करके बाद माउस को बोलना, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल व्हील करें, चेंज करें, कोई एक बोले प्लीज। माउस को ऊपर करके मैडम इसको कट करके दोबारा ओपन कर दे। इसको कट करके, हाँ हाँ ऊपर ऊपर ये जो नेबार है, हाँ इस साइड पे, हाँ दोबारा ओपन कर दे यहाँ से इमेज को। हो गया। अच्छा मैं ज्यादा जूम नहीं करूंगी। अच्छा ये आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से है डायग्राम? अब नजर आना चाहिए वैसे। यस मैडम, अच्छा मोहम्मद वकार, आपका कोई क्वेश्चन है? नो आई वाज जस्ट टेलिंग अबाउट जूमिंग एंड जूम आउट। ओके। अच्छा ये ERD डायग्राम है, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया हुआ डाटा सेट के बारे में और ये सारी चीजें, नॉन फूड आइटम्स, फूड आइटम्स कौन कौन से, तो ये सारी चीजें जो सी हैं, तो ये जेमिनी मुझे प्रोवाइड कर रहा है कि ये एक ERD डायग्राम है। इवन मैंने इसको बताया भी नहीं है कि ये एक ERD डायग्राम है, उसने खुद ही डिडक्ट किया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें डेटाबेस है, ट्रैकिंग द फूड प्राइजेस और फूड आइटम्स एंटिटी है, थ्री एंटिटी एट्रीब्यूट्स है, नेम टाइप एंड सोर्स, वही सब कुछ। तो ये इट्स अ सिंपल थिंग कि अच्छा ये इमेज को किस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इमेज है ये मैंने ChatGPT-4 से बनवाई थी और डिस्क्राइब में इसको जेमिनी से कर रही हूँ, तो वो कितने अच्छे से उसको डिस्क्राइब वगैरह कर रहा है, ठीक है। मैम आपने प्रॉम्प्ट कौन सा प्रोवाइड किया था? मैंने प्रॉम्प्ट इसको कोई भी प्रोवाइड नहीं किया, इसमें जस्ट प्रोवाइड किया है इसका वर्जन और इसका इमेज का लिंक, दैट्स इट। और उसने खुद ही इमेज को डिटेक्ट किया है कि इमेज है किसके बारे में, ओके। हम उसको नहीं बता रहे हैं कि इमेज हमारी किसके बारे में, वो खुद ही डिटेक्ट कर रहा है। प्रॉम्प्ट इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस इमेज का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा नाउ व्हाट इफ कि वी वांट टू प्रोवाइड एन इमेज और एक प्रॉम्प्ट एज वेल, कि जिसमें लाइक हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ चाह रहे हैं, जैसे किसी ने अभी पूछा था सॉल्यूशन के लिए कि अगर हम चाह रहे हैं कि वो हमें कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे, हमने एक इमेज प्रोवाइड की उसमें क्वेश्चन है और मैं चाह रही हूँ कि लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 3 का ही मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो वो प्रॉम्प्ट अगर हम इसके साथ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, हाउ वी कैन डू दैट? ओके ऐसा इसको उन्होंने दिखाया हुआ है ये पाइथन नोटबुक में ना, अगर आप मुझे स्क्रीन शेयर करने दें तो मैं दिखा देता हूँ, वरना अगर आप वापस पाइथन नोटबुक में जाएं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर पाइथन करूँ, नोटबुक, आप स्क्रीन शेयर करना स्टॉप कर लो। मुझे आप को होस्ट बना दें। ओके एडमिन मैम नहीं अमीन बस है। हो गया जी, हो गया, मैं को होस्ट बन गया। थैंक यू, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ये यहाँ पे दिखाया हुआ उन्होंने, जहाँ पे ना बेसिकली आपके पास इन्होंने ये पहले तो पिक्चर लोड कराई थी, आपने देखा एग्जांपल में कि उन्होंने एक पिक्चर जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड कराई, उसके बाद उस इमेज को यहाँ प्रिंट कराया, उसके बाद इन्होंने सिंपली पहले तो ये कहा कि मॉडल डॉट जनरेट कॉन्टेंट करो इस इमेज का, तो उसने जेमिनाई प्रो विजन ने उस इमेज को रिकग्नाइज करके उस इमेज को डिस्क्राइब कर दिया कि दीज आर द मील प्रेपरेशन कंटेनर्स विद चिकन, ब्राउन राइस, ब्रोकली एंड बेल पेपर्स। यानी उसने समझ लिया, उसको समझ आ गई कि यार ये क्या चीज़ है, और उसको ये उसने ये भी बता दिया कि ये किसी बर्तन के अंदर है ये फूड पड़ा हुआ, और फिर उसने इसमें बता दिया कि इसमें चावल भी हैं, ब्रोकली भी है और सारा कुछ है। उसके बाद अगर आपने इसी इमेज से रिलेटेड कोई सवाल पूछना हो, जैसा आपका सवाल था कि जी अगर उस इमेज में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं और हमने उससे पूछना हो कि इस क्वेश्चन का आंसर करो, तो उसके लिए मेरे ख्याल से आप ये प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, मॉडल डॉट जनरेट कॉन्टेंट में सिर्फ अपना इमेज पास नहीं करेंगे, बल्कि इमेज के साथ आप एक ब्रैकेट में अपनी जो प्रॉम्प्ट का टेक्स्ट है वो भी लिख देंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दी है, राइट अ शॉर्ट एंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट बेस्ड ऑन दिस इमेज, इट शुड इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मील इन द फोटो एंड टॉक अबाउट माई जर्नी मील प्रिपिंग। फिर इसने इमेज दे दिया, यानी अभी क्या कह रहा है, उसने कह रहा है कि इस इमेज की बेसिस पे तुम बाकायदा एक मुझे ब्लॉग पोस्ट बना के दो, और उस ब्लॉग पोस्ट में बताओ कि मैंने इस ये खाने को मैंने बनाया है और मैंने इसको कैसे बनाया। तो फिर जब आपने ये वाला प्रॉम्प्ट इसको दी और इसको रन किया आपने, तो फिर उसने ये आपको जवाब में पूरा एक डिस्क्रिप्शन दे दी कि मील प्रिपरिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है, इस मील के अंदर ये सारा कुछ है,
इसको मैंने कैसे बनाया। तो आप यू कैन प्ले अराउंड विद दिस नोटबुक, और आप इसमें अपनी पसंद का कोई और इमेज दे दें और उसको अपनी पसंद की प्रॉम्प्ट दे के देखें, तो क्या पता वो चल जाए। यहाँ पे इस जो यूआरएल उसने दी थी इस पिक्चर की, उसकी जगह आप अपनी पसंद की कोई और इंटरनेट से पिक्चर उठा के ट्राई करके देख लीजिएगा। इस नोटबुक का लिंक है आपके पास? ये बेसिकली ये, अच्छा ठीक है जी मैम, आप स्क्रीन वापस ले लें। ओके अच्छा फिर ये अगर हम उसको एक स्पेसिफिक देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, तो वो फॉर एग्जांपल हम उसको कोई मैथ का क्वेश्चन दे रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि ये इसके अंदर मैथ का क्वेश्चन है, मुझे अब इस मैथ के क्वेश्चन का आंसर तुम सेंड करो, तो क्या वो भी सेंड करेगा? जी जी बिल्कुल या कर लेगा। चलेगा? अच्छा ये मैंने वैसे ट्राई नहीं किया, ट्राई करके देखना चाहिए। ओके अच्छा वैसे ना हमारे पास बेसिक्स जो थी ना इसमें यही दो वर्जन्स वगैरह थे, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा से इन्होंने नेचुरलाइजेशन से चैट, यहाँ पे वही उन्होंने जेमिनी प्रो को यूज किया है, मतलब कि जो हम चैट बोर्ड वगैरह यूज करते हैं उसमें हम अपने हमारे जो चैट की हिस्ट्री वगैरह है वो हम स्टार्ट से एंड तक हमारी जो हिस्ट्री है वो हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे मैंने जो आपको ये कोड दिखाया था ना दिस वन, तो यहाँ पे ये चीज जो उन्होंने चैट इज इक्वल टू मोटर डोर स्टार्ट चैट ये जो है ना, तो यहाँ पर मैंने वही चीज यूज की है, बिल्कुल यही लाइन के स्टार्ट मोटर डोर स्टार्ट चैट, ठीक है। तो इस वजह से वो जो हिस्ट्री थी हमारी जो सी वो हमारे पास सेव रह रही है और उसके अकॉर्डिंग वो हमें आंसर दे रहा है, जिस तरह से एक पूरी हम डिस्कशन लेकर चलते हैं चैट जीपीटी से न्यू चैट में, तो वो बिल्कुल इसी तरह से चल रहा है ये। आई थिंक ऐसे ही है ना सरदिन, आई थिंक इट्स हाँ जी मेरा भी ख्याल है बिल्कुल। आई सरदिन थिंक ये स्टार्ट चैट की मदद से ना फिर हाँ आपकी चैट हिस्ट्री भी मेंटेन कर रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से यूज नहीं करते हैं ना, तो वो फिर हमारी प्रीवियस जो सी चैट होती है उसको नहीं रखता है, वो फिर न्यू चैट पे मूव कर जाता है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर नहीं देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल फिर उसी तरह से कि चैट हिस्ट्री में आप मतलब चंक्स वगैरह अपने यूज वगैरह कर सकते हैं, तो ये वही सब कुछ है। यूज इम्बेडिंग्स, इम्बेडिंग्स को आप अपने एंड पर देखिएगा, ये मैंने इसको प्रैक्टिकली इसको नहीं किया और मेरा नहीं ख्याल कि ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके प्रोजेक्ट में आपको इसको कभी यूज करना पड़े, क्योंकि मैंने नहीं खुद भी इसको कभी यूज नहीं किया किसी और ने किया गया। वैसे भी इसके काफी प्रोजेक्ट्स वगैरह में इनकी काफी कम मतलब जरूरत वगैरह पड़ती है हमें। जी अब इसमें एम्बेडिंग्स तो अगर बेसिकली एम्बेडिंग्स थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, यानी वो लोग जो कि मशीन लर्निंग अभी सीख रहे हैं तो उनको पहले ये समझना पड़ता है। अभी तो मैं अभी खुद मैं भी इसको सीख रहा हूँ कि क्या चीज़ होती है। बस मुझे इतना पता है कि बेसिकली ये क्या करता है कि आपके जो आप इनपुट में जो चीज़ देते हैं ना उसको ये कन्वर्ट कर देता है इंटू नंबर्स, क्योंकि मशीन तो नंबर्स की ज़बान समझती है ना, मशीन तो इंग्लिश या अरबी या स्पेनिश को नहीं समझती। तो ऑल दो मशीन से बात करने वाला शख्स अपनी ज़बान जो है वो अंग्रेज़ी अरबी या स्पेनिश में कर रहा होता है बात, लेकिन मशीन उसको कन्वर्ट करती है इनटू वेक्टर्स। वेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, एक नंबर की एरे की शक्ल शक्ल होती है। तो और आपके जितने भी ये मॉडल्स होते हैं जो कि कुछ डेटा को कंपेयर कर रहे होते हैं, क्रॉस मैच कर रहे होते हैं और सिमिलैरिटी निकाल के ला रहे होते हैं, या टेक्स्ट या कंटेंट जनरेट कर रहे होते हैं, असल में वो डेटा जो है वो नंबर्स की शक्ल में जनरेट कर रहे होते हैं, और आप फिर नंबर्स को वापस कन्वर्ट करते हैं बैक इनटू इनटू ये ह्यूमन लैंग्वेज। तो एम्बेडिंग बेसिकली क्या कर रही होती है कि वो आपके डेटा को लेती है और बस डेटा को उस रिक्वायर्ड नंबर स्कीम में कन्वर्ट कर देती है। अब ऑब्वियसली नंबर में स्कीम में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल लिखाई है कि आप किसी एक इनपुट को लेके उसको नंबर्स में या एम्बेडिंग्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली तो ऐसा था कि थोड़ा एडवांस है तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे कवर नहीं किया, ठीक है। तो मेरा क्योंकि यहाँ पे हम इतना इसको यूज करने भी नहीं वाले, मेरा नहीं ख्याल कि इसलिए तो कोई इस तरह से यूज करना चाहेगा। क्वेश्चन था किसी का आई थिंक। हाँ लाइक आई वाज जस्ट मतलब थिंकिंग अबाउट कि हम ये क्यों यूज़ करना चाहेंगे, बिकॉज मशीन बैक एंड पे तो काम कर ही रही होती है। जो हमने जैसे पिलो लाइब्रेरी यूज़ की थी तो वो तो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं फॉर
कन्वर्टिंग इमेज इनटू नंबर्स, तो स्पेसिफिकली एम्बेडिंग कैन आई शेयर माय लगवाने मतलब स्क्रीन? मैंने इस पे एग्जांपल बनाई है एम्बेडिंग्स पे जावास्क्रिप्ट के साथ, अगर आप कहें तो मैं वो शो कर दूं, अगर लेकिन टाइम लगेगा तो फिर आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। कैन यू प्लीज शेयर इट ऑन द ग्रुप चैट, ताकि फिर अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो देख लो। ओके ओके, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ रेपोजिटरी का। बेसिकली इसमें ये होता है कि जो नंबर्स हैं ये नॉर्मल बाइनरी नंबर्स नहीं है, जैसे एक वर्ड है कैट और एक वर्ड है डॉग। अगर हम नॉर्मली सर्च करें ना तो कैट और डॉग मैच नहीं करते, और कैट और अगर कैन है ठीक है तो ये लफ्ज़ मैच करते हैं सर्च में ना। लेकिन अगर हम इसकी एम्बेडिंग बना के डेटाबेस में सेव करें और अगर हम सर्च करें, जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करें ना कैट, तो आपको डॉग की वीडियोज भी रिकमेंड होंगी, लेकिन कैन की या कोई पेप्सी के कैन की चीज रिकमेंड नहीं होगी ठीक है। तो ये वर्ड्स जो जी हैं, ये जो नंबर्स हैं, इसकी आपस में मतलब इस तरीके से इन्होंने जो भी मॉडल्स हैं इन्होंने इस तरीके से सेटिंग की भी होती है कि अगर हम वेक्टर सर्च इम्प्लीमेंट करना चाहें ना तो वो बड़ी आसानी से हो जाती है। और इसमें कैट और डॉग वर्ड सिमिलर, इनमें सिमिलर डिफरेंस डिफरेंस कम होगा इन दोनों लफ्जों में। अच्छा, थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ। जो भाई बात कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली ये चीज़ है। जो ये मॉडल होते हैं, इनको हम मशीन लर्निंग करते हैं। मशीन लर्निंग में वो ट्रेन होते हैं, किसी खास किस्म के डेटा पे, जिसमें हम वेट्स देते हैं अपने हिसाब से, कि हमें ये समझ चाहिए इसके अंदर, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये वाली समझ चाहिए। वो समझ लर्न करने के बाद ना, मॉडल क्या करते हैं कि जो हम इमेज या स्ट्रिंग देते हैं ना, वो उस समझ जो हमने उसको समझाया होता है उसके मुताबिक उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, अरे ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम एम्बेडिंग्स कहते हैं। उस डेटा स्ट्रक्चर को हम एम्बेडिंग्स कहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि वो एम्बेडिंग्स क्रिएट करने के बाद, वो वेक्टर क्रिएट करने के बाद, जो उनकी समझ के हिसाब से मिलती जुलती चीजें होती हैं ना, उनको करीब रखते हैं। उसको कहते हैं वेक्टर स्पेस, कि जी कौन सी चीज उस स्पेस के अंदर एक करीब है और कौन सी दूर है। तो अगर हमारा मॉडल जो है वो इंटेलिजेंट है एक खास तरीके से, तो होम और हाउस, कैट और डॉग, बैट और बॉल, वो पास पास होंगे। इसी तरह, इसी वजह से चैट जीपीटी को समझ आ जाती है, अगर आप बैट लिखते हैं तो उसको पता लग जाता है कि ये क्रिकेट का बैट है या ये वो मैमल बैट है, जो उड़ने वाला होता है, जानवर जो होता है। तो उसको इस तरह से समझ आती है, क्योंकि आप उसको कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। तमाम वर्ड जब मिलके आ रहे हैं तो उसको वो कन्वर्ट इस तरह से करता है कि उसको उसकी कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाती है, क्योंकि इसके बाद अगर ये आ रहा है तो ये कॉन्टेक्स्ट है, ये आ रहा है तो ये कॉन्टेक्स्ट है। ये जो समझ हम देते हैं, ये ट्रेनिंग के जरिए देते हैं, और उसकी मदद से वो ये वेक्टर क्रिएट करता है और उनको वेक्टर स्पेस में करीब या दूर रखता है अपनी समझ के हिसाब से। तो ये जो जिस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वो नंबर सेव होते हैं, उसको एम्बेडिंग्स कहते हैं। तो सारी जो मशीन लर्निंग की गेम है, इस सारी इस वेक्टराइजेशन के इर्द-गिर्द घूमती है। सो लाइक एम्बेडिंग इज समथिंग के जो हम ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, एम्बेडिंग्स ट्रेनिंग के बाद जो एल्गोरिथम है ना, जिसे आप मशीन लर्निंग का मॉडल कहते हैं, वो आपकी ट्रेनिंग की बेस के ऊपर, जो उसको जनरेट करता है, उसको कन्वर्ट करता है उसकी बेस के ऊपर, आपकी स्ट्रिंग्स को या इमेज को कन्वर्ट करता है नंबर्स में। तो उन नंबर्स को, वो एक नंबर नहीं होता, अरे ऑफ नंबर्स होती है, क्योंकि उसमें कॉन्टेक्स्ट आपने बताना होता है कि वेयर दिस वर्ड सिट्स इन इन माई विजडम, ठीक है। तो वो फिर वो एम्बेडिंग्स क्रिएट करता है, मॉडल जो है वो एम्बेडिंग्स क्रिएट करता है। ट्रेन होने के बाद मॉडल जो है वो एम्बेडिंग्स क्रिएट करता है। सही, थैंक यू सो मच सर मुश्ता। वैसे इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं थी, तो मुझे भी अभी पता चल रहा है इतना कुछ। वैसे आई थिंक ये सब हम एटीएम वाले लेक्चर में डिस्कशन की चल रही होती है ना, ये देख रहे होते हैं हम सिस्टम डिजाइन वगैरह। नहीं, ये भी सॉरी, बहुत इस इम्पोर्टेंट बार सवाल पे है। सॉरी, मुझसे मैं कुछ जानना क्या चाहता हूँ कि हमारे पास है, चल रहा है कोई कोर्स जहाँ पे हम ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीख रहे हों या सिखा रहे हों एआई मशीन लर्निंग के? अगर कोई है तो मैं उसको ज्वाइन करना चाहूँगा। बिल्कुल हमारे पास एक चल रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में अब उसको मशीन लर्निंग के लिए यूज नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक आप ज्यादा बता सकते हैं इस बारे में? जी सर, हम उसको अब एज अ लीड कोड की तरह लेकर चल रहे हैं। वो वन वीक के लिए वो एज अ लीड कोड चलेगा, उसके बाद वो सिस्टम डिजाइन के तौर पर चलेगा, मशीन लर्निंग में सिस्टम डिजाइन, ठीक
तो अभी एक 1 वीक के लिए हमने उसको चेंज किया। ठीक ओके अच्छा इसमें ना अच्छा आगे क्या है, आगे एडवांस यूज केस है कि हम यहाँ पे क्वेश्चनेबल प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। तो ये मैंने आई थिंक ये मैंने किया था कि पार्ट्स और रोल्स वगैरह का, तो इसको मैंने कुछ इस तरह से किया था कि अच्छा आप यहाँ पे कोई भी रोल मॉडल पार्ट्स इक्वल्स टू, तो इस तरह से वैसे ना मुझे ना अभी इसमें इतनी समझ नहीं आ रही थी कि अच्छा यहाँ पे ना अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं ना तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये जो हमने आम चैट में देखा था, तो ऑलमोस्ट वैसा है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये अब हम ये इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं मजीद, मतलब कि ये बिल्कुल अगर मैं इसे बोलूँ ना अच्छा इसने तो एरर दे दिया। ओके तो मेरे ख्याल से मैंने ना वो नहीं किया हुआ एपीआई को, ड्यूटीफुल क्रीडेंशियल्स वर नॉट फाउंड, ये मुझे मैंने वीएस कोड बंद कर दिया था मेरा वो ही। आई थिंक मुझे गेम चेंज करना पड़ेगा और मुझे मे बी अब चल जाए, आई डोंट नो। लेकिन ना अगर इसकी देखे ना तो इसका बिल्कुल ऐसा ही था, तो ये मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि ये मतलब बिल्कुल अगर सेम है तो इसका फिर हम एडवांस इसका यूजेज क्या है फिर इसका। नहीं सर, ये जो अगर आप पाइथन नोटबुक में जाएं एडवांस में, वो बता रहा है ना, वो ये बता रहा है कि अगर आपने मॉडल के बारे में कुछ और मेटा डेटा अगर उठाना हो ना, सॉरी कहाँ कहाँ से देख रहे थे हम, अगर आप उस पे जाएं पाइथन नोटबुक वाले सेक्शन पे, हाँ पाइथन नोटबुक ये तो वाला, हाँ ये एडवांस यूज़ केसेस। सो उनमें से एक एडवांस यूज़ केस ये बता रहा है कि आपकी सेफ्टी सेटिंग्स जो होती हैं वो बताती हैं कि आपके मॉडल को आपने की किस चीज़ की इजाज़त देनी है और किस चीज़ को आगे जाने से रोक देना है। ये अगर आप देखें ना, तो सेफ्टी सेटिंग्स आर्ग्यूमेंट लेट्स यू कॉन्फ़िगर व्हाट द मॉडल ब्लॉक्स एंड अलाउज इन बोथ प्रॉम्प्ट्स एंड रिस्पॉन्सेस। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपका मॉडल बाय डिफॉल्ट ब्लॉक करेगा। अब उसकी उसने नीचे 5 या 4 किस्म की हाँ एग्जाम्पल्स भी दी हैं, वो एग्जैक्टली मिसाल के तौर वो पर। बस जी यही जी बताया हुआ है, ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ना कि हाँ तो जो कंटेंट होगा तो वो उसको निग्लिजिबल कर देगा, उसको उसका फिर वो आंसर नहीं करेगा। जैसे अगर हम इस पे सर्च करते हैं कि हाउ आई क्रिएट बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब, मैंने सर्च किया था तो उसने मुझे आंसर नहीं किया था, उसने मुझे डायरेक्ट ये प्रॉम्प्ट दिया था कि ये नेगेटिव है मैं इसका आंसर नहीं कर सकता, तो वो इस तरह से आई थिंक इस तरह से फिर वो वर्क करेगा इज इट। हाँ जी बिल्कुल, यानी बेसिकली आप क्या करेंगे कि आपको देखें ये, अब इधर अगर आप रुक जाएंगे तो ये कंटेंट में उसने आपको जवाब दिया है, आई एम सॉरी बट दिस प्रॉम्प्ट इन्वॉल्व्स अ सेंसिटिव टॉपिक एंड आई एम नॉट अलाउड टू जनरेट कंटेंट। ठीक है, ये उसने आपको जवाब दिया। अब उसने ये जवाब आपको क्यों दिया है, उसके नीचे अगर आप देखें तो वो आपको रिस्पॉन्स में सेफ्टी रेटिंग्स किया एक जो है ना वो रिटर्न भी कर रहा है वैल्यू, तो वहाँ पर वो आपको वजह बता रहा है कि यार ये सेफ्टी रेटिंग्स क्यों हैं, क्या ये कंटेंट जो है ये सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है, वो कह रहा है नहीं ये सेक्सुअली एक्सप्लिसिट नहीं है, क्या ये हेट स्पीच है, क्या ये नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ये हेट स्पीच है या नहीं है, क्या ये हरासमेंट है, क्या ये डेंजरस कॉन्टेंट है। इस तरीके से ना जब वो आपको रोकेगा तो इनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी या एक से ज़्यादा आइटम्स की प्रोबेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना उससे गलत किस्म का सवाल पूछा है, इनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी ना ज़्यादा हो जाएगी और उसकी ज़्यादा होने की वजह से फिर वो आपको वो जवाब देने से रोक देगा। तो ये एडवांस यूज़ केस उन्होंने बताया कि जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 या 5 चीज़ें हैं जिनको ये खुद ही डिटेक्ट करता है और उस केस में आपको जवाब नहीं देता और वजह बता देता है कि मैंने इस वजह से जवाब नहीं दिया। उसके अलावा आप चाहें तो अपने कुछ एडिशनल रूल्स भी डिफाइन कर सकते हैं कि तुमने इस किस्म के टॉपिक्स का भी जवाब नहीं देना। अच्छा तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ तो हमने सिंपल वाले में भी देखी थी ना, सिंपल वाले में भी वो यही चीज़ था कि उसमें वो सिंपल आंसर नहीं कर रहा था, वो नहीं करेगा आंसर, उसमें भी डिटेक्ट कर रहा था।
हाँ नहीं ठीक हो गया बिल्कुल, यानी एडवांस से मुराद जहाँ तक मैं समझाऊँ यही है कि एडवांस में ना आप चाहें तो आप सिर्फ प्रॉम्प्ट का जवाब प्रिंट कराने की जगह है ये वजह भी प्रिंट करा सकते हैं कि आप ये सेफ्टी रेटिंग्स का ऑब्जेक्ट जो आपको मिल रहा होता है प्रॉम्प्ट के रिस्पॉन्स में उसको भी रीड करें। और मेरे ख्याल से पता नहीं यहाँ उन्होंने दिखाया नहीं, आप आई एम श्योर अपने भी कोई रूल्स डिफाइन कर सकते होंगे। मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि भाई आपको क्या है चीज़ नहीं पसंद, कोई यानी वैसे कोई रिडिकुलस एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको कोई खास टॉपिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या ज़्यादा एक्चुअली रियल एग्जांपल लेते हैं कि मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आप इस चैट बॉट को एक रिटेल इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं राइट, तो आप सिर्फ ये चाहते हैं कि जो क्वेश्चंस रिटेल से रिलेटेड हैं ना उन्हीं के जवाब दो रिटेल इंडस्ट्री के अलावा। अगर तुम अगर ये अगर आप इसको बोलें कि मुझे एक गाना बना के या मुझे एक पोएम लिख के दो या मुझे एक अच्छा सा सॉन्ग लिख के दो किसी टॉपिक के ऊपर, तो सॉन्ग लिख के देने का ताल्लुक जो है वो आपकी उससे होता है कल्चर या आर्ट से होता है राइट, उसका रिटेल इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हो सकता है कि इसमें आप कोई तरीका ऐसा बता सकें इसको कि भाई मुझे इससे रिलेटेड जवाब अगर कोई पूछे ना तो वो उसको अपोलोजाइज कर देना है कि मुझे इस टॉपिक पे तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि ये टॉपिक मेरे इससे रेलिवेंट नहीं है। तो आई थिंक ये इसका कोई यूज़ केस मुझे समझ आता है, लेकिन ये करते कैसे हैं ये इन्होंने यहाँ दिखाया नहीं है मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली मोस्ट प्रोबेबली ना उनकी जो आउटपुट वगैरह अगर आप देखेंगे ना तो वो सेम ही आएगी, तो वो इतना कोई बिग डिफरेंस नहीं है। मे बी अगर आप कोई बहुत बड़ा बना रहे हैं मॉडल वगैरह तो उसमें आपको ये चीज देखने को मिले जो वाजिया डिफरेंस है उसमें दोनों में। हाँ जी शायद तो हाँ इतने शॉर्ट अगर हम इस तरह से बस सिंपल लेकर चल रहे हैं बेसिक्स में तो उसमें तो फिर कोई इतना नहीं दिखाएगा वो। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें यही था, बाकी जो चीजें हैं वो तो बस उन्होंने यही बताया हुआ है कि आप उसको एज अ डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी में आप उसको स्पेसिफिक जो एक प्रॉम्प्ट है वो देकर तो उसको आप जनरेट करवा सकते हैं कि बस मुझे भाई बस ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, तो वो आपको बस ब्रीफली उसके बारे में एक्सप्लेन कर देगा देयर से। तो इतना कोई चीज नहीं है इसमें, इसमें बस दो ही चीजें थी मेरे ख्याल से, इसमें सिर्फ दो ही चीजें थी, एक जेमिनी प्रो हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, जेमिनी प्रो वर्जन हम किस तरह से यूज कर सकते हैं एंड दैट्स इट राइट। और इसमें क्या कौन कौन सी क्या क्या नई चीज है, तो नई चीज इसमें सिर्फ इमेज ही है और एम्बेडेड वगैरह जो सी है वो ही है। तो इसके अलावा अगर किसको इसके बारे में मजीद अगर पता है तो वो डिस्कस कर ले, मे बी सर दिल को मजीद बताओ। जी मैं भी इसको साहब के साथ पढ़ ही रहा था, मैंने कोई ख़ास अभी इसको एक्सप्लोर नहीं किया एक्चुअली। मैं तो गलती से ना दूसरे उस पर साइन अप कर गया था, ये किसी ने चैट में हमें एक और लिंक भी भेजा हुआ था एक APAC वाला जेमिनाई का जो हैकाथॉन हो रहा, तो मुझे फिर अभी जब मैंने ये ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली हम तो वो लैब लैब वाले हैकाथॉन की बात कर रहे हैं ना कि वो दूसरे वाले दो जेमिनाई को चल रहे हैं जो हैकाथॉन है। तो लैब लैब वाले का स्कोप मुझे बड़ा लिमिटेड लग रहा है, इसमें तो बाहर हमें सिंपली ये बताया गया है कि जी ये जेमिनाई का हमारा चैटबॉट है और आप इसको यूज़ करके कोई ऐप बना दें, तो इसमें तो इट्स यानी बेसिकली मुझे नहीं पता कि आप में से जिन स्टूडेंट ने इसमें अगर साइन अप किया है अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहता है कि उनके जहन में क्या आइडिया है या उनका प्रोजेक्ट का आइडिया क्या है जो इससे करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो इसमें सिवाय इसके कुछ समझ नहीं आता कि बस आप ChatGPT ही बना सकते हैं। यानी एक थोड़ा स्मार्ट और इंटेलिजेंट ChatGPT जो इमेजेस भी ले लेता हो ना सिर्फ चैट में बात ना करता हो, तो आप में आपको एक फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए होगा जो कि अपनी ये ChatGPT जैसा एक फ्रंट एंड बनाएगा, और आपको एक API डेवलपर चाहिए होगा जिसको ये जेमिनाई की APIs आती होंगी, और वो फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो पिक्चर अपलोड करने या पिक्चर ड्रैग एंड ड्रॉप करने का फीचर भी दे देगा, और वो आप सवाल पूछेंगे उससे और जो API डेवलपर है वो उस API को एक्सपोज करके देगा जो पीछे जेमिना एक API को कॉल करके सवालों का जवाब रिटर्न करती है। और उसके अंदर आप ये अगर एडवांस केसेस डालना चाहते हैं तो आप कुछ लिमिट कर सकते हैं यूज़र को कि यार ये टॉपिक ऑफ लिमिट है, इन टॉपिक्स का मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये डेंजरस हैं या ये नफरत पे उभारने वाले हैं या वगैरह वगैरह। इसके अलावा कोई और मुझे कोई ज़्यादा इमेजिनेटिव यूज़ केस या कोई ऐसा यूज़ केस तो समझ नहीं आ रहा जो कि बहुत यूनिक आइडिया हो अभी तक जो हमने देखा है, अनलेस किसी स्टूडेंट के पास कोई है एक्चुअली ऐसे आइडियाज प्लीज। ये डॉक्यूमेंटेशन ये लैब लैब ने प्रोवाइड नहीं किया, ये गूगल की अपनी ही है जो गूगल ने प्रोवाइड की है क्विक स्टार्ट में। तो ये लैब लैब ने बस गूगल का ही लिंक दिया हुआ, ये हम बेसिकली गूगल के ही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो ये गूगल ने ही प्रोवाइड की हुई है कि हम उसको किस तरह से यूज कर अच्छा सकते हैं। तो ये लैब लैब की
अपनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो मेरे ख्याल से गूगल ने सिर्फ इतनी ही प्रोवाइड किया है, इसके आगे नहीं है। मतलब कि अगर हम इसको बिल्कुल लास्ट में देखना, तो उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप मजीद इसके बारे में लर्न करना चाह रहे हैं तो आप इन लिंक्स पे जाके देख सकते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट, तो आप प्रॉम्प्ट राइटिंग और जेमिनी मॉडल, लिमिट इंक्रीजेस, ये चीजें आप मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई थिंक सो। मैं आपको दोनों दिखा भी देता हूँ जो मुझे भी देख समझ हाँ, आए हैं। मैं इसमें एक सर जी अदील इजाजत है तो मैं एक एस्पेक्ट इसमें ऐड करूँ। जी सर। श्योर सर। अच्छा, जब भी हम कोई काम करते हैं ना तो शुरू में वो हमारे लिए नया होता है तो हमें इंटरेस्टिंग भी लगता है, और जब हमें इसकी समझ आ जाती है तो वो बोरिंग हो जाता है शुरू। और जो लोग उस बोरिंग पीरियड को सस्टेन करते हैं वो एक्सपर्ट बन जाते हैं, और जो बोरिंग पीरियड को सस्टेन नहीं करते वो छोड़ जाते हैं। तो ये दिल आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि ये सारे प्रोजेक्ट सिंपल सिंपल से होते हैं, लेकिन दुनिया में इवन सिलिकॉन वैली में भी हैकाथॉन्स में इसी तरह के सिंपल सिंपल से नॉर्मल से आइडियाज होते हैं, लेकिन जो लोग उन में कंसिस्टेंटली अटेंड कर रहे होते हैं ना तो फिर उन्हें पता भी नहीं चल रहा होता और उनका एक्सपोजर बढ़ रहा होता है, क्योंकि एक हैकाथॉन में अगर 20 प्रोजेक्ट आए हैं उनमें से एक प्रोजेक्ट दो प्रोजेक्ट होगा जिसके बारे में आपने कभी उस एस्पेक्ट में सोचा नहीं होगा, और अगर आप कंसिस्टेंटली हैकाथॉन्स में जा रहे हैं तो आपके पास नए नए आइडियाज आ रहे हैं, यानी कि 90% चीजें वही होंगी जो आपने पहले देखी हुई, लेकिन 10% आपका एक्सपोजर बढ़ता जाएगा, तो वो स्नोबॉल इफेक्ट होता है कि वो आस्ता आस्ता बाकी से आगे निकल जाते हैं। तो मोस्टली प्रोजेक्ट लाइफ में हमेशा आपको इसी तरह के मिलेंगे, ये तो कॉमन सेंस का आइडिया है, लेकिन उसमें कभी कभी उसी कॉमन सेंस में एक ऐसी चीज आपको मिल जाएगी जो कि आपको आगे जाने में हेल्प आउट करती है। तो बाकी आइडियाज बिल्कुल सिंपल ही होते हैं। एग्जैक्टली, जो गूगल के हाँ जी, इंटरनल हैकाथॉन्स हैं उनमें भी आइडियाज बहुत सिंपल सिंपल यूज हो रहे होते हैं, तो वही हाँ होता है नहीं, मैं 50 प्रोजेक्ट आपको होते हैं, 50 में से 1 प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा हो जाता है। हाँ नहीं, मैं आपको ये दिखाता हूँ जो मुझे ये दोनों हाँ, कंट्रास्ट दूसरी लगाए चीज, ना। एक एक और चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा कि श्योर। जो है ना कि आप हैकाथॉन में जाएं, बेशक सिंपल सा आइडिया हो उसे अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करें तो आपको लोगों के फीडबैक मिलती है, वो फीडबैक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यानी बेसिकली हैकाथॉन में एक तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, दूसरा आप मेंटर से डिस्कशन कर रहे हैं, मेंटर का जो जितना टाइम है यूज करें, मेंटर्स को बुलाएं, उनसे क्वेश्चन पूछें और ट्राई टू पिक देयर ब्रेन्स एज मच एज पॉसिबल, तो इसी तरह जो बाकी लोग हैं तो आप किस तरह नेटवर्किंग बनती जाएगी। तो यही तो फायदा है हैकाथॉन का, देखें अभी आपको फील हो जाएगा इतना एफर्ट वाला काम नहीं है, तो हम भी यही चाहते हैं कि हैकाथॉन में हम जाएं नेटवर्किंग के लिए, नए आइडियाज की एक्सप्लोरेशन के लिए, अपने आइडिया को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए विदाउट बर्निंग ओवर सेल्फ आउट, ताकि हमारा मेन एब्सोल्युटली, फोकस जो हमारी फुल टाइम जॉब है उस पर रहे। यानी मैं, यानी आप शायद मेरी बात के औरत मतलब समझे, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आइडिया, इसमें आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत हाँ, नहीं है, मैं समझ गया आपका आइडिया बिल्कुल। दिस इज अ लेकिन ग्रेट टॉपिक टू डिस्कस। हाँ, लेकिन इसके तो अलावा फिर कंट्रास्टिंग में आपको एक और हैकेथॉन भी दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन अब वो बड़े एडवांस्ड हैं, वो आई अंडरस्टैंड कि अभी हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन जस्ट टू इंस्पायर पीपल आई वॉन्ट टू शो देम दोज इज वेल, जो मैंने पहले जिस गलती से जिसमें मैं चला गया था। इफ यू वुड अलाउ मी। या श्योर सर, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके ये एक्चुअली मैंने बात, ये सब लोगों के लिए कि जो स्टूडेंट समझते हैं कि वो गए हैं तो उनका टाइम, उन्हें मजा ही आया तो वो जाना बंद कर देते हैं, तो दैट इज बेसिकली अ फेलियर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। यानी ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी इस आइडिया की जो सिंप्लिसिटी है, यानी आपको बेसिकली एक जेमिनी के नाम से एक नया वो दे दिया गया। पहले हम ये लैब लैब वाले को देख लेते हैं, जिसके अंदर आपको कहा गया है कि भाई हमारी एक नई जो है वो हमारी चैट की हमने APIs दी हैं जो कि आपके इमेज को भी समझ लेती हैं और आपकी टेक्स्ट स्पेस आपके साथ भी चैट कर सकती हैं, और आप अरे उसके सर, थोड़ा इजाजत है तो मैं एक दो चीज़ें शेयर कर दूं। जी जी ज़रूर।
जी हमारे एक मॉडरेटर हैं, वो FSC पास हैं, उनकी USA में सैन फ्रांसिस्को में जॉब हो गई है, तो दैट इज इंटर्नशिप रिलेटिंग टू अ जॉब, दैट इज ग्रेट न्यूज फॉर अस। एक और हमारे स्टूडेंट हैं जिनका आइल्स का स्कोर 6.5 आया है, तो दैट इज अ प्रीटी गुड स्कोर, सो नाउ ही कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स। और एक और हमारे स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने PhD के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो प्रोफेसर ने असाइनमेंट दी, प्रोफेसर ने बताया कि अमंग 100% स्टूडेंट, 100+ स्टूडेंट्स, सो ही इज रैंक नंबर वन इन दैट असाइनमेंट। ये देखें, आप में से जो लोग रेगुलर हैं, तो रिवार्ड इज कमिंग ओवर देयर एंड इट इज सो इजी टू गेट। तो इस पर किसी का क्वेश्चन कोई? तो इंशाल्लाह आप में से जो लोग कंसिस्टेंट रहेंगे, तो इंशाल्लाह सक्सेस इज वेरी क्लोज। पर चलिए सर, आप कंटिन्यू करें। जी, बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा ये एक और आके था ना, ये बल्कि अभी स्टूडेंट्स के लिए है भी नहीं खुला, ये स्टूडेंट्स के लिए ओपन नहीं है, इसलिए अभी आप वैसे भी इस पे इतना वो तवज्जो ना दें, लेकिन जस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी जो आइडियाज़ की क्या क्या सिनारियो है उसमें अगर आप देखें, तो हमारी एक, उन्होंने कहा है कि जी आप बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री का आइडिया लेके आ सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ की मदद से, जिसमें से जेमिनाई एक पार्ट है, सिर्फ जेमिनाई नहीं बल्कि जेमिनाई के साथ आपको तीन चार और चीज़ें भी ऐड करनी पड़ेंगी, तो आप रियल टाइम में ना फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हैं। यानी आप ये देख सकते हैं कि यार ये पैसे जो मेरे काटे जा रहे हैं, या जो ट्रांजैक्शन हो रही है, ये क्रेडिट कार्ड से पैसे काटे जा रहे हैं, ये कहीं चोरी का क्रेडिट कार्ड तो नहीं है, ये कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। ये सारी की सारी चीज़ें आप बेसिकली इसकी मदद से रियल टाइम में डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ऐसे चैटबॉट्स भी बना सकते हैं जो कि एक कस्टमर को उसकी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस दें, वो बताएं कि यार मेरा इतना बजट है, मेरी इतनी सैलरी आती है, वो आपको बताएं कि हाँ अच्छा तुम अगर ये करना चाहते हो तो ऐसे करो, अगर तुम पैसे अगले 10 साल के लिए बचाना चाहते हो तो इस इधर इन्वेस्ट करो, ये काम करो। तो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस के चैटबॉट भी आप इसकी मदद से बना सकते हैं। ये एक दो तीन एग्जाम्पल्स उन्होंने दी हैं हमें बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री की, यानी ये कुछ आइडियाज़ उन्होंने हमें दिए हैं कि आप इनसे इंस्पायर हो सकते हैं, या आपके अपने आइडियाज़ अगर इसी डोमेन के अंदर हो तो वो आप लेके आ सकते हैं। फिर एक काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं अराउंड रिटेल एंड ई कॉमर्स, ये आपको कुछ अंदाज़ा होना भी शुरू हो गया होगा कि हम किधर जा सकते हैं इसमें, राइट? आप अगर चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप कस्टमर को हाइपर पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस दे सकें। इसका क्या मतलब है कि मुझे सिर्फ, मैंने अपने कैमरे से एक तस्वीर खींची, मुझे कोई नज़र आया कोई मॉडल, उसने बड़े अच्छे जो है ना कोई सूट पहना हुआ था, मैंने कैमरे से तस्वीर खींची, मेरा चैटबॉट जो है वो मुझे बताएगा कि अच्छा यार ये तस्वीर अगर तुम्हें पसंद आ रही है तो ये जो आइटम है, ये जो कोट है जो है, या जो सूट उसने पहना हुआ था, ये फलानी दुकान के ऊपर सेल में लगा हुआ है, और अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ये इसको परचेज भी तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। आप बकायदा चैट चैट के अंदर ही एक ऑनलाइन शॉपिंग कर लें, और आपने सिर्फ पिक्चर दी अपने बॉट को, बॉट ने पिक्चर से जाके पीछे ई कॉमर्स की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, अलीबाबा या अमेज़ॉन या हमारे केस में दराज .pk, जिधर भी जाके उसने आपकी ये चीज़ें पसंद की, उनको ख़रीदा और आपके लिए वो बकायदा उनको बुक भी कर दिया। इसी तरीके से AR VR के एक्सपीरियंसेस भी आप बना सकते हैं, जिसके अंदर आप वर्चुअल रियलिटी में अपने आप को ही वही कपड़े पहनते हुए देख रहे हो, और आप उसको स्वाप करके, लेफ्ट राइट स्वाइप करके अपने चेंज कर रहे हो कि नहीं इसको चेंज करो, इसका कलर चेंज करो, और मुझे बताओ कि ये चीज़ मेरे पे अच्छी लगती है ये नहीं लगती है। तो ये आप AR VR वाली चीज़ें भी कर सकते हैं। यानी फिर इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ केसेस हैं, जिसमें आप बकायदा किसी प्रोडक्ट की, किसी प्लांट में जाके किसी मशीन की तस्वीर खींच के, वो तस्वीरों का जो स्ट्रीम ऑफ इमेजेस है या वीडियोस हैं, वो आप अपने AI को पास कर सकते हैं, और आपकी AI जो है वो बता सकती है कि यार ये मशीन बिल्कुल 100% सही कैपेसिटी में चल रही है, या ये मशीन ख़राब हो गई है, या ये मशीन ख़राब होने वाली है, और अगर होने वाली है तो वो उसको प्रिडिक्ट भी कर सकती है, और प्रेडिक्ट करके आपको बता सकती है कि यार आपका प्लांट बंद होने वाला है क्योंकि आपकी मशीन की जो है ना लग रहा है कि अभी इसकी कुछ हालत ख़राब होने वाली है। और वो कैसे करेगी, वो ऐसे करेगी कि इससे पहले ऑब्वियसली आप अपना डेटा तैयार करेंगे, आप हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मे बी मिलियंस ऑफ इमेजेस ऑफ बैड पार्ट्स उसको ट्रेन करेंगे, जब वो उसको समझ आ जाएगी, वो ट्रेन हो जाएगी, तो वो खुद ही डिटेक्ट करना शुरू कर देगी आइंदा से कि कौन सी मशीन सही काम कर रही है और कौन सी मशीन जो है वो वेयर एंड टेयर का शिकार हो रही है। फिर आपकी मीडिया के बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ आपके इसमें जहन में आ सकते हैं कि आप मिसाल के तौर पे
जो है ये कर सकते हैं कि एक पूरी की पूरी वीडियो है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास दो दो तीन तीन घंटे की वीडियोस होती हैं, और आप कहते हैं कि यार पहले पूरी वीडियो देखें तो आपको बात समझ आ जाएगी, लेकिन कुछ लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। तो वो क्या करें, वो अपने चैटबॉट को उस यूट्यूब की वीडियो का लिंक दें और उसको बोलें यार तो मुझे सिर्फ दो या तीन पैराग्राफ में ना इसके मेन पॉइंट्स की समरी बता दो कि है क्या। तो आप उसकी मदद से उसके दो तीन मेन पॉइंट्स की समरी जो है वो आपको पूरा आपका चैटबॉट आपकी वीडियो को रीड करेगा, उसको समझेगा, उसमें से दो तीन मेन पॉइंट्स की समरी जो है वो निकाल के दिखा देगा। अभी ये जेमिनाई का एक डेमो आया, आपने देखा होगा, उसमें भी यही हो रहा है कि पूरी की पूरी उसको एक उन्होंने मूवी दे दी है, और उस मूवी के बारे में आप बकायदा चैटबॉट से पूछ सकते हैं कि मुझे बताओ इस मूवी के अंदर ये वाला सीन कब आया था। तो वो आपको एग्जैक्टली वो टाइम स्टैम्प बता देती है कि इस मूवी में ये वाला सीन जो है जहाँ पे उसकी जेब काट रहे होते हैं वो बंदा चोर जो होता है वो ये एग्जैक्टली इस टाइम पे आया था। तो इसमें बहुत सारे आपके पास आइडियाज़ हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कुछ मिस इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट करने का आइडिया भी है, ये भी कोई बड़ा एडवांस चीज़ लग रही है। सेंटिमेंट एनालिसिस का आइडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप वीडियो को ये बता सकते हैं कि मुझे बताओ इस जगह पे इस बंदे ने किसी माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ कोई बात तो नहीं है की है, कोई नफरत वाली स्पीच की बात तो नहीं की है, कोई सेक्शुअल अब्यूज़ की कोई भी ऐसी बात तो नहीं की है जो कि ऑब्जेक्शनल बोलो। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ केस, और आजकल आपको पता है कि ये बड़ा मसला भी बना हुआ है। तो दीज आर अ लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग वेरी बिग आइडियाज़ जो कि इनशाला हम फ्यूचर के हैकाथॉन्स में उम्मीद है कि करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस केस में जो मुझे नज़र आ रहा था, इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा लैब लैब एआई वाला है, इसमें बेसिकली आपको एक जेमिनी उन्होंने दे दिया है, और इसमें आप सिर्फ एडवांस चैट का यूज़ केस है जो कर सकते हैं, जिसमें आप टेक्स्ट भी दे सकते हैं और इमेजेस भी दे सकते हैं और आप रिस्पॉन्स ला सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा रूम नहीं है आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह की डोमेन और इस तरह की चीज़ों को देखने का, बट आई कुड बी रॉन्ग। यानी इसलिए मैं जा रहा था कि अगर किसी स्टूडेंट ने इसमें हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और तो जी एक्चुअली H2S में ना उन्होंने जेमिनी बताया हुआ है कि आप जेमिनी को यूज करके ये आइडियाज आप ले सकते हैं, ठीक है। और लैब लैब में ना उन्होंने स्पेसिफिकली बस बताया हुआ है कि आप कोई भी जेमिनी के साथ कोई और भी टेक्नोलॉजी लेकर तो आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू, लेकिन बेसिक जो चीज है, जो रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आप जेमिनी को जरूर यूज करें, ये एक चीज है। और जो ओके H2S है उसमें उन्होंने बकायदा उन्होंने बताया हुआ है कि आप इन इन आइडिया पे वर्क कर सकते हैं, और अब ये जो चीजें हैं इनमें सिर्फ हम जेमिनी यूज करके नहीं कर सकते, उसमें हम और भी टेक्नोलॉजीज यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने प्रॉपर बताया हुआ है। और सेकंडली ये कि H2S के ना एक हैकाथॉन हुआ था स्नैपचैट के लेंस के नाम से ना, तो मैं उसमें गई थी, तो मुझे टीम का बड़ा इशू हुआ था, लेकिन मुझे टीम फिर भी मिल गई थी, और उसमें सिर्फ एक बंदे की मुझे टीम मिली थी, तो सारा काम उसी ने किया था, मैंने कुछ नहीं था किया। तो मुझे और आई थिंक ये इंडिया की एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे मोस्टली इंडियंस ही आपको मिलते हैं, यहाँ पे बहुत कम होता है कि आपको मतलब कोई फॉरेन कंट्री से मिल जाए या इस तरह से UK या US राइट का right. बंदा। नहीं सॉरी, उसके अलावा मैं वैसे बता चलूँ कि H2S तो मैं गलती से चला गया, क्योंकि किसी ने ना ये चैनल में उसका लिंक शेयर किया हुआ था, तो मैंने जब साइन अप किया तो फिर मुझे पता चला कि इसमें तो स्टूडेंट वैसे भी अप्लाई नहीं कर सकते, ये स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं, ये सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। बट द रीज़न वाई आई ब्रॉट दिस अप वॉज के आगे जाके इंशाल्लाह जब आप इसको मजीद एडवांस हैकाथॉन्स में जाएंगे और ये ओपन होगा स्टूडेंट्स के लिए भी, तो यू कैन थिंक ऑफ मच बिगर आइडियाज़ एज वेल। लेकिन लैब लैब एआई के अंदर भी अगर आप कह रही हैं जी, मैं बस ये कहती हूँ, अगर आप लैब लैब में अगर आपको आइडियाज वगैरह चाहिए टीम में, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी आइडिया उठाएं और आप टीम में जाके बोल दें कि हम ये बना सकते हैं, अगर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हो रही, आइडिया नहीं आ रहा है, तो इस वजह से, तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके यानी आप भी कह रही हैं कि हम उनको ही कह सकते हैं कि जी सिर्फ जेमिनाई नहीं बल्कि हम जेमिनाई के साथ ये चार पांच दस चीज़ें और भी यूज़ करना चाह रहे हैं। या श्योर आप कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस बेसिक चीज यही है कि आप जेमिनी यूज जरूर यूज करें, उसके साथ आप जो मर्जी यूज करें, वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है लैब लैब में। ओके श्योर सो आई जी मैं स्क्रीन वापस हटा रहा हूँ। हम जस्ट ये देखेंगे कि अच्छा कि हम जुपिटर में इसको किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से आप जुपिटर में अगर कोई देखना चाह रहे हैं तो उसका इंटरफेस हम जरा देख लेते हैं कि उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। ये सारा बेसिक वही चीज है जो कि डॉक्यूमेंटेशन में, अब हमने उसको ये जुपिटर में खोला है, तो ये वही सेम चीज है, बस यहाँ पे एक चीज है, आपने जैसे पहले मैम ने बताया था, यहाँ पे आपको ये की सीक्रेट की नजर आती है, तो यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आप अपनी जो सीक्रेट की है, यहाँ पे आप कोई भी अपना नेम वगैरह देकर की का,
तो यहाँ पे आप अपनी जो सीकर की आपने एपीआई जनरेट की होगी आप यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर आपने बस आपने जो नेम यहाँ पे दिया हुआ होगा तो आपने उसको रिमेम्बर करना है, देन आप उसको अपनी एज अ एपीआई यूज कर सकते हैं डेट सीट। बाकी सारा ये वही कंटेंट है जो अभी हमने उसमें देखा है, डॉक में जो सा देखा है डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, तो ये चीज थी कि आप जुपिटर में इसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। हाँ या एंड ऑल्सो जस्ट एन FYI कि आपको नोटबुक एक्सेस का तो चेक है वो भी ऑन करना होगा, वरना अगेन आपके पास एरर आ जाएगा। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन? दैट्स ऑल इट फ्रॉम माय साइड। तो किसी का कोई जनरल क्वेश्चन, किसी को यस समझ सर, में ये आया? अरसलान का अच्छा सवाल है क्योंकि मुझे भी इसका जवाब नहीं पता। वो कह रहे हैं कि आप अपना प्रोजेक्ट जमा कैसे कराएंगे, किस हालत में, क्या है, कोई ऐप बनानी है या क्या चीज़ हम जो हमें करानी नहीं, होगी। कोई ऐप नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि आप सिर्फ कोई ऐप बनाएं या फिर आप सिर्फ कोई वेबसाइट ही बना सकते हैं। बेसिक चीज बस यही है कि आपने उसमें जेमिनी यूज करना है। नो मैटर आप ऐप बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, बस उनको जेमिनी यूज किया हुआ नजर आना चाहिए, जेमिनी की एपीआई यूज की हुई नजर आनी चाहिए जो जजेस हैं। ठीक है, और सेकंडली ये कि ये पूरा सक्सेस क्राइटेरिया उन्होंने लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी यूजेज आपने प्रेजेंटेशन में देनी है, ये सारी चीजें, बिजनेस प्लान वगैरह, ये सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, और प्रोजेक्ट आप सबमिट किस तरह से कराएंगे? आपने कुछ भी बनाया है, आपने सिर्फ उसका एक डेमो लिंक और गिटहब रेपोजिटरी और उसके अलावा प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, तो ये जो चीजें हैं आपको आपका जो टीम लीड होगा ना उसको लिंक नजर आ रहा होगा प्रोजेक्ट सबमिशन का एट द एंड ऑफ द डे हैकाथॉन के, तो वो वहां पे जाके अपनी सारी चीजें सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, नो मैटर के आपका प्रोजेक्ट किस हालत में होना चाहिए, वो किस तरह से नजर आना चाहिए, बस उसकी फंक्शनैलिटी ठीक से वर्क करनी चाहिए। इज इट ओके क्लियर? तो आप यानी आपने इसमें पार्टिसिपेट किया राइट, और आप इसको सबमिट कराने वाली हैं डेडलाइन से पहले। मैं एक्चुअली मैं लैब लैब में मेंटोर हूँ, तो मैं हैकाथॉन ज्वाइन नहीं कर सकती लैब लैब के। ठीक है, तो ओह जब मुझे अच्छा, करना होगा मेंटोरशिप छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया हुआ ये। ओके, तो ओके सही है। सो अरसलान, आई होप कि हमें कोई ना कोई पार्टिसिपेंट मिल जाएगा जिसने ज्वाइन किया होगा। तो जब आपका लैब असाइनमेंट, सॉरी ये हैकेथॉन जब सबमिट करने का टाइम आएगा तो हम मे बी उससे हेल्प ले सकें। मैंने खुद भी इसको आज ही ज्वाइन किया तो इसलिए मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि इसमें कैसे जमा कराना होगा। मैं इससे पहले वो HTS में चला गया था। हाँ, आपको अगर सबमिशन के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, या आप किसी भी लैब लैब के मेंटोर को पिंग करके पूछ सकते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने किस तरह से सबमिट करवाना है, तो वो प्रॉपर आपको गाइडलाइन भी मिलती है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मतलब मुझे डिस्कॉर्ड पे डीएम कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा मेरा डिस्कॉर्ड, लैब लैब में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये तो वो है, तो आप मुझे डिस्कॉर्ड पे पिंग कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है लैब लैम के किसी भी लिंक के बारे में या कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप या कुछ भी के आपको मेंटोर नहीं मिल रहा है, कोई आपको टेक्निकल मेंटोर की जरूरत है, तो वो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको मेंटोर अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, मैम एक्सक्यूज मी, अगर आपका कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट हो आप उसका एक दफ़ा कोई डेमो दिखा सकते हैं, फुली फंक्शनल किस तरह प्रोजेक्ट लगता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फुली फंक्शन किस तरह से प्रोजेक्ट लगता है? जिस हालत में हम जमा करवाते हैं वो किस टाइप का होता है, या उसकी PPT स्लाइड्स या कुछ भी। अच्छा, मतलब कि हम सबमिट करवाने के बाद हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से लगेगा? अगर मैं अपनी प्रोफाइल में जाऊं जो और मेरे जो प्रीवियस जो मैंने सबमिट करवाए हुए हैं तो वो किस तरह से लगेगा? अगर हम इसमें जाते हैं, ये जो हैकाथॉन था इसमें हम थर्ड प्लेस पर आए थे। अच्छा, इसमें आपने बिल्कुल ऐसे के यहाँ पे आपका जो जजमेंट होगी तो यहाँ पे आपको सारे फीडबैक्स नजर आएंगे। ठीक है, और ये फीडबैक्स जो से हैं आपके, ये आपको फीड में मिल जाएगा और ये अप्रूव आपका टीम लीड करेगा। ठीक है, उसको ईमेल आएगा कि आपके प्रोजेक्ट पे एक जजेस ने कमेंट किया है, तो उसको आपको ईमेल मिल जाएगा कि आपके कमेंट आया ये वो इस तरह से।
और सेकेंडली ये कि आपने उसको एक गिटहब लिंक, प्रेजेंटेशन लिंक और डेमो लिंक, प्रेजेंटेशन लिंक इस तरह से कहीं पे भी गूगल शीट वगैरह कहीं पे भी आप डेमो लिंक और कोई भी गिट लिंक जो है वह आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लगेगा और एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन देना होगा आपको। ठीक है, और आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताना होगा, आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की हैं तो वो आपके लिए होगा। और या और आपको कैटेगरी के बारे में बताना पड़ेगा कि आपका प्रोजेक्ट है वो किस चीज को शो कर रहा है। ओके, तो कुछ इस तरह से जब आप सबमिट करेंगे हाँ तो जिस जिसको कुछ तो इस ये तरह तो से मिलेगा। बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था। दिस इज अ वेरी मोटिवेशनल प्रोजेक्ट, ये बड़ा क्या इंस्पिरेशनल है। नहीं, आप ऐसे बच्चे जो कि मेरे ख्याल से ऑटिस्टिक होते हैं, जो कि सही तरीके से बातचीत नहीं कर सकते या समझ नहीं सकते। आप इस प्रोजेक्ट का आइडिया क्या था कि वो अपनी जो उनकी अम्मी की बातें हैं उनको तस्वीर की शक्ल में, कोई हैंड गेस्चर्स में कन्वर्ट कर जी दें? बिल्कुल, वो ऐसा था कि हमने हमारे जो टेक्नोलॉजी थी वो ये चैलेंजिंग थी कि हमने उसमें डाले टू यूज करना है, ये मस्त था, हमने डाले टू यूज करना है। तो वो इस तरह से था कि हमारा प्रोजेक्ट आइडिया ये था कि वो बच्चे जो है जो अभी बोल नहीं पाते या फिर जो बोलते हैं उनकी मदर्स को उनकी कम्युनिकेट करने में ना मदर्स के साथ उनको प्रॉब्लम फील होता है, तो हमने उनके लिए एक ऐसी ऐप बनाई थी कि अगर वो अपनी वॉइस देते हैं तो वो उसको एक इमेज जनरेट कर कर देते हैं, तो वो जो इमेज जनरेट कर कर देगा ना तो वो जो मदर देखेगी तो उसके साथ कम्युनिकेट जो सी हो गया तो मदर को ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि उसके जो चाइल्ड है वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये हमारा बेसिक आइडिया था जो के बनाया था, ये बहुत पहले मैंने बनाया था, ये मैंने बनाया था 2023 में 15 मार्च को। ठीक है, तो मैंने बस आपको ये दिखाया कि ये इस तरह से आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा गिटहब था और ऐप हमारी अभी नहीं चल रही। ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रीमली पे इसको वक्ती तौर पर हमने किया था। ठीक है, और इसमें एक हाँ स्ट्रीमली पे किया था वक्ती तौर यार पे, तो अभी इसकी वो प्रेजेंटेशन नहीं चल रही। आई डोंट नो व्हाई। प्रेजेंटेशन चल रही है? हाँ, इसकी प्रेजेंटेशन ये है। ठीक है, और ओके इसमें जो ये टीममेट्स थे वो बहुत जबरदस्त थे। वल्ला जो है वो अभी एक जो lablab.me है उसमें जज भी है, मेंटोर भी है, और जो बासिम है वो लैब लैब में ऑर्गेनाइजर है, इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाता है। और ये जो है ये पाकिस्तानी था, इसको मैं जानती। और ये जो है इन्होंने जो है ये एक सीईओ है, और इन्होंने मुझे जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि मुझे एक जॉब ऑफर हुई थी यूएस में, तो मुझे इन्होंने की थी, ओके इन्होंने इकरा, की थी, यूएस यूके के बंदे ने, यूएस का था। आपने इसमें कितना काम किया था? आपका हाँ, क्या काम था? बैकएंड पूरा इसमें मैंने ही किया था। तो अच्छा, इसमें ना एक बहुत कमाल की चीज जो मैंने मैंने इस हैकाथॉन में जो सीखी थी वो ये थी कि हमारी जो ये दो बंदे थे ना, इन्होंने प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन की थी, ये वासिम ने और ये वल्ला ने, और मोहम्मद असद ने और इसने जो भी नाम है इसका, इसने मेरे साथ मिलकर हमने कंटेंट सर्च किया था कि अच्छा हमने ऐप बनानी है तो इसका मतलब कोडिंग हमें कहाँ से मिल सकती है, या कोई वेब कोई डॉक्स वगैरह डॉक्यूमेंटेशन मुझे कहाँ से हेल्प हो सकते हैं। तो ये सारा सर्च मटेरियल इन्होंने किया था, इनकी ये था। ठीक है, ये जो था ये जावा डेवलपर था लेकिन हमने पाइथन में करना था। ठीक है, तो इसने मुझे जावा में कोड लिख कर दिया था, तो मैंने उसको समझ के तो मैंने उसको थोड़ा बहुत पाइथन में किया जितनी मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई। ठीक है, तो इसमें ये था, इससे मैंने वल्ला से ये सीखा कि इसने क्या किया, इसने जब प्रेजेंटेशन बनाई या इसने जब डॉक्यूमेंटेशन बनाई तो इसने क्या किया था, इसने टीम का इंट्रोडक्शन लिखा। ठीक है, इसने फिर मुझे दी वो डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। इसने मुझे बोला कि ना ये आपने बैकएंड किया है तो मेरे साथ एक मीटिंग रखी। मैंने इससे मीटिंग रखी और पूरा एक घंटा मैंने इस बंदी को समझाया कि अच्छा ये बैकएंड में मैंने ये चीजें की हैं तो ये चीज इस तरह से। और मैं उस वक्त ये रियलाइज कर रही थी कि वो चीज जो मैंने 3 दिन में की सर्च वगैरह करके दिमाग पा के की, और इस बंदी ने मेरे से 1 घंटे के अंदर अंदर ही इसने मेरे से सब कुछ निकलवा लिया कि अच्छा ये किस तरह से किया, ये कोड की ये लाइन किस तरह से चढ़ी, ये लाइन किस तरह से चढ़ी, ये लाइन किस तरह से चढ़ी। और डॉक्यूमेंटेशन भी इसने खुद नहीं की, वो जो पार्ट था डॉक्यूमेंटेशन का बैकएंड डेवलपमेंट का, तो इसने बोला था कि भाई आपने की है, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई है, सारा मुझे डॉक्यूमेंटेशन में लिख के दे। 2 पेजेस तो इसको डॉक्यूमेंटेशन के मैंने ही लिख के दे दिए थे, बाकी फ्रंट एंड इसने किया था, वल्ला ने फ्रंट एंड किया था। ठीक है, बाकी फ्रंट एंड का इसने किया। तो इसने मतलब टीम में जिसने जो जो सा काम किया था ना, इसने उसको मीटिंग में बुलाया, उसके साथ मीटिंग किया, उसके साथ उससे मतलब एक एक बात पूछी कि ये चीज आपने ये टेक्नोलॉजी यूज की, ये किस तरह से यूज किया, इसमें क्या क्या हुआ था, तो ये चीजें इसने इस तरह से की है। ठीक है,
तो मैंने फिर से सीखा कि आप फिर किस तरह से कम मेहनत करके तो लोगों से किस तरह से ज्यादा आउटपुट ले लीडरशिप, सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। आई थिंक इससे आपको ये भी पता चला ना कि जरूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आती हो, क्योंकि खैर ये तो इत्तेफाक से, यानी इसका बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि ये बच्चों की डॉक्टर भी है और साथ ही ये डेटा साइंटिस्ट भी है, इंटरेस्टिंग इसका रोल है। लेकिन जैसे बासिम है, बासिम से लग रहा है कि इनको कोई कोडिंग नहीं आती, इनका काम सिर्फ बस ये प्रेजेंटेशन और ये प्रेजेंट करना ही था, क्योंकि ये हाँ सेल्स लग रहे हैं। तो हाँ आपको बासिम कोई कोडिंग आना कोडिंग जरूरी नहीं, नहीं है, राइट, आप बासिम में बस अच्छी कोडिंग सी स्लाइड्स बना दें और आप अच्छा सा टीम को इंट्रो लगा दें, तो आप भी अपना एक रोल हैकाथॉन में फिल कर सकते हैं। नहीं। या कि बिल्कुल, मैंने सेटिंग बिल्कुल देखा था नीचे, प्रेजेंटेशन ही की थी, डॉक्यूमेंटेशन ली। ये मेरी थर्ड हैकाथॉन थी, मेरी जो सेकंड हैकाथॉन थी ना, वो उसमें जो मेरा टीम लीड था, वो बहुत ही उसने मेरा बहुत दिमाग खाया था। तो मेरी सेकंड हैकाथॉन तो मैं याद भी नहीं करती, थर्ड हैकाथॉन में विन कर गई थी मैं। क्योंकि सेकंड हैकाथॉन में ये था कि मेरी जिंदगी की सेकंड हैकाथॉन थी, और जो बंदा था जो टीम लीड था वो कह रहा था कि मैंने हैकाथॉन विन करना, और मेरी सेकंड हैकाथॉन थी, तो वो मेरी और उसकी जरा बनी नहीं, तो हमारी कम्युनिकेशन भी कुछ अच्छी नहीं थी। बाकी टीम मेंबर्स के साथ मेरी बड़ी अच्छी बनी, उसके साथ मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं हुई थी। तो उसके बाद उसने मुझे लिंक्डइन पे मेरी पोस्ट भी लाइक्स वगैरह नहीं करनी, और मेरे ख्याल से उसने मुझे अनफ्रेंड कर दिया लिंक्डइन से। तो खैर, तो ये हमारा ना था जो ऐप ऑन दिख रहा, तो ये हमारा इंटरफेस था इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक टू रिकॉर्ड करते थे, आप कोई भी कुछ भी बोलते थे वो आपको इमेज में कन्वर्ट करके देता था, ठीक है। क्योंकि पहले तो जेमिनी वगैरह नहीं थी, तो इमेज प्रोसेसिंग वगैरह हमने खुद ही की, कि किस तरह से हम इमेजेस वगैरह जनरेट कर सकते। तो ये इस तरह से ये पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की गई थी, ठीक है। नहीं, जेमिनाई तो शायद अभी भी नहीं कर सकता ये जो काम आपने किया है इसमें, ये तो मेरे ख्याल से हाँ जेमिनाई अभी भी नहीं करके दे सकता आपको, हाँ हम वॉइस अनलेस रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट अनलेस राइट आई एम मिस्टेकन, ये जो डॉल ई है, या जैसे अब वो आया है चैट जीपीटी वालों ने मेरे ख्याल से निकाला है, एक तो सोरा है ना, सोरा तो मेरे ख्याल से आपके टेक्स्ट से वीडियो भी बना देता है, लेकिन सोरा से पहले यस उनका डॉली, तो मेरे ख्याल से डॉली चैट जीपीटी वालों का ही है जो कि आपकी टेक्स्ट से पिक्चर बना देता है। तो आप ने जो यूज़ किया है मेरे ख्याल से गूगल ने, मुझे जी नहीं पता किसी को पता है इस ऑडियंस में कि गूगल ने ऐसी कोई चीज़ निकाली है जो कि टेक्स्ट से पिक्चर बना दे, मेरे ख्याल से तो अभी तक नहीं मुझे पता चली कोई ऐसी कोई चीज़ है। तो ये आपने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की, यही यूज़ की जा सकती थी इस काम को करने के लिए कि सॉरी टेक्स्ट से पिक्चर कह रहा हूँ, ये ऑडियो से पिक्चर बना रहा है, यानी बेसिकली आप ये बता रही हैं कि वो जो उसकी मदर है वो ऑडियो में अपनी बात रिकॉर्ड कराती थी अपने बच्चे के लिए, और फिर वो उस ऑडियो को समझ के जो डॉली है वो उसको पिक्चर में कन्वर्ट कर देता था, ताकि वो बच्चा जो कि सुन नहीं सकता सही तरीके से या ऑटिस्टिक है, उसमें कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, वो देख के समझ जाए। तो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, आई थिंक ये एक अच्छी इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है हमारे लिए कि कैसे करना होता है और क्या करना होता है। तो यार ठीक कह रहे हैं आप। ओके, तो किसी का कोई जनरल क्वेश्चन? मैम, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, असल में मैं अभी वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसमें मैं एक जगह फंस गया हूँ, और वो अगर मैं स्क्रीन शेयर अलाउ करें तो आप बता सकते हैं यहाँ से कैसे हो सकता अगर मैं स्क्रीन शेयर करूँ तो। आई थिंक वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, जेमिनी के अकॉर्डिंग नहीं है, वो आपका अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है, राइट? वो असल में ये हैकाथॉन के रिलेटेड था जो कल स्टार्ट हो रहा था, बल्कि 4 को, हाँ 4 मार्च ओके, को। आपको जो भी प्रॉब्लम, आपको उसको आपको उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप वो स्लैक पे शेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वर्कशॉप स्पेसिफिक जेमिनी के लिए रखी गई है, तो हम यहाँ पे पर्सनल प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ओके। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको डिस्कॉर्ड पे किसी भी मेंटोर से पूछ सकते हैं, टेक्निकल मेंटोर से, और स्लैक पे आप किसी भी मॉडरेटर से पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम, मैं मेरी आवाज क्लियर है अभी? जी सर, आ रही हूँ। स्लैक के ऊपर जो है ना वो किसी के स्पेसिफिक मेंटोर को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं कि मीन के हमारा जनरल क्वेश्चन हो या किसी हैकाथॉन के हवाले से हो या पाइथन या किसी भी हवाले से, क्योंकि अगर मेरा इंटरव्यू के हवाले से है तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा कि मीन के कौन सा मॉडरेटर मुझे सपोर्ट करेगा? जी आप स्लैक पे पूछ रहे हैं, आईकॉर्ड पे? जी मैम,
ओके आप बस वहां पे अपना क्वेश्चन प्लेस करेंगे, आप किसी भी मॉडरेटर को, मतलब कि आपको मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है, आपको वहां पे मॉडरेटर जरूर रिप्लाई देंगे। मुझे तो अभी तक नहीं मिला, मैं तकरीबन 5-6 घंटे होने वाले हैं, तो जी मैं मुझे वो तो आपको वॉइस मतलब इतनी क्लियर नहीं आ रही, डिस्टोर्शन हो रही है। किसी को समझ में आया है कि क्या बोला है? मुझे इतना समझ आया कि कह रहे हैं कि 5-6 घंटे पहले मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन क्वेश्चन या प्रॉब्लम है क्या इनका वो मुझे नहीं समझ आ रहा, वो आवाज़ कट रही है। जी अदिल भाई, मेरा क्वेश्चन था इंटरव्यू के हवाले से, क्योंकि कल मेरा पीजी का इंटरव्यू डायरेक्ट बैचलर के बाद पीएचडी के लिए, तो लास्ट जो सेशन मैंने लिया था ना सर आसिफ रसूल का, तो उन्होंने कहा था कि मैम सबसे अप्रोच करना वो आपको जो स्लाइड शेयर करेंगी तो आप उसे हिंट ले लीजिएगा प्रेजेंटेशन के लिए। तो मैम सबसे मैंने 2-3 दिन पहले अप्रोच की है, और कोई हमारी में पहले मीटिंग हुई थी नेटवर्क की वजह से वो हमारे दोस्त का सॉल्व नहीं हुआ, मैम ने कहा था कि फिर हम कल जो है ना अरेंज करेंगे, तो उसके बाद जो ना मैम शायद मसरूफ है या किसी मसरूफियत की वजह से मैम का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इस वाले से अगर कोई गाइडेंस है या वो पीपीटी अगर किसी आप और। हाँ तो आप दोबारा अपना क्वेश्चन प्लेस करें और सर जफर को मेंशन कर दें कि भाई मुझे, मेरा इंटरव्यू है पीएचडी के लिए, तो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे गाइडलाइन चाहिए। सर जफर आपको खुद अप्रोच कर लेंगे, आपको खुद बता देंगे, या फिर आप सर जुबैर जफर को भी डीएम कर सकते हैं कि आपका इस तरह से है तो आपकी हेल्प की जाए। को भी मैंने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया है, वहां पे भी स्लैक पे भी मैसेज किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं वहां से। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सर जुबैर को आप डीएम कर दें या ओके सर जफर को आप डीएम कर दें, ठीक है? व्हाट्सएप कर दूँ या मैं स्लैक पे डीएम कर दूँ, क्योंकि मेरे कल जो इंटरव्यू है वो कल 4 बजे है शाम को। अच्छा, आप फिर ऐसा करें कि सर जफर को आप लिंक्डइन पे मेंशन कर दें, लिंक्डइन पे डीएम कर दें, और सर जुबैर को आप व्हाट्सएप या स्लैक पे कहीं पे भी डीएम कर दें, तो आप अवेलेबल हो जाएंगे। ओके थैंक्स सो मच। अच्छा वैसे अदील भाई, जो आप पूछ रहे थे कि गूगल की तरफ से कुछ इमेज जनरेशन का है, तो मैं जस्ट अभी सर्च ही कर रही थी और इमेजिन है कुछ वर्टेक्स AI पे दैट वी कैन यूज़ फॉर इमेज जनरेशन ऑन गूगल, सो लाइक यू कैन चेक इट। ठीक है बिल्कुल मैं देखता हूँ, थैंक यू। इट्स वर्टेक्स AI, या वर्टेक्स AI वर्टेक्स पे आई थिंक वर्टेक्स AI का भी लैब लैब पे हैकाथॉन हुआ था, वर्टेक्स AI का लैब लैब पे ओके गूगल ने ठीक ऑर्गेनाइज करवाया था वो। है, बट वी मिस्ड इट आई गेस। ओके अच्छा, किसी का इस वर्कशॉप के अकॉर्डिंग किसी का जनरल क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको एंड करते हैं। ये मेरा मैम मेरा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन है, हाँ यू कैन पूछे गो जल्दी। फर्स्ट। आवाज आ रही है मेरी? जी आसान आवाज आ रही है, आप पूछिए। हाँ जी, मैंने पूछना था कि ऐप को जो है वो होस्ट भी करना होगा या फिर बस सोल्यूशन बना के अपने लोकल सिस्टम पे उसका डेमो रिकॉर्ड कर लेना फाइनल सबमिशन के लिए। क्या आप इसका जवाब देना चाहती हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है इफ यू आर टॉकिंग। अच्छा, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या पूछा आपने? हाँ अरसलान ही कह मैम रहे ये हैं पूछना ऐप चाह को रहा था होस्ट भी कि करना जो चाहिए। फाइनल जो सबमिशन होगी उसके लिए ऐप को कहीं पे हमें डिप्लॉय भी करना पड़ेगा, होस्ट करना पड़ेगा, या फिर हम अपने लोकल सिस्टम पे उसको रिकॉर्ड कर लें डेमो जो भी है। हाँ वीडियो डेमो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और सेकंडली ये कि बेहतर ये है कि आप उसको कहीं डिप्लॉय कर लें, क्योंकि अब तो वो AWS वगैरह पे आप डिप्लॉयमेंट आपको मिल जाती है आई थिंक फ्री में, राइट? तो आप किसी ओके भी थैंक प्लेटफॉर्म में आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, बेहतर यही है कि आप उसको डिप्लॉय करें, यू जी। क्योंकि जजेस जो से हैं उनके पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका कोड वगैरह खोल कर तो मोस्ट प्रोबेबल भी वो एक एक चीज देखें, तो वो इस तरह से, ठीक है? तो अगर आप डिप्लॉय करेंगे तो जजेस के लिए इजी होगा, और अगर हम किसी दूसरे के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो वो ज्यादा खुश होते हैं, तो मे भी आपको स्कोर अच्छा मिल जाए। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी मैम। मेरा सर क्वेश्चन वकार, ये था कि जी मैम,
मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा ये फर्स्ट हैकाथॉन है, तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो वे है वो क्या है? तो मीन्स के हमें पहले टीम ज्वाइन करनी होगी? आपको पहले रजिस्टर करना होगा, अगर जब आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी उसके बाद आप टीम ज्वाइन करें और अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करना शुरू करें। रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल सकता है? स्लैक पे शेयर होगा, ठीक है, हैकाथॉन का लिंक, आप वहां पे जाके ये इनरोल कर सकते हैं कब और तक रजिस्टर अवेलेबल कर हो जाएगा सकते ये? हैं। स्लैक पे शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और ये स्टार्ट होगा हैकाथॉन 8 मार्च से आई थिंक स्टार्ट हो रहा है, 8 से 15 तक। अच्छा, सरदील ने चैट में शेयर कर दिया, आप चैट से भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी सेंड किया अभी इन्होंने या पहले का किया हुआ? क्योंकि सेंड किया, आप मुझे, देख सकते चलो मैं दोबारा आप चेक कर, चैट ये इंटरनेशनल हैकाथॉन के चैनल में? इंटरनेशनल नहीं, हैकाथॉन के अभी चैनल में, इसी चैट में लगा दिए, अभी ये जो हमारी जूम कॉल चैट में। की, जूम की चैट में लगा दिए कॉल। चलो मैं देख लेता हूँ, थैंक यू वेरी मच। ओके, जी सर अबूबकर। मेरा सवाल था टीम के मुताबिक, मैम टीम कैसे मिलेगी? मैं डिस्कॉर्ड चैनल पे हूँ, लेकिन वहाँ पे भी सारे मेंबर्स ही कह रहे हैं कि वी नीड अ टीम, तो आप कैसे टीम में अप्लाई कैसे हाँ करेंगे ठीक है, अगर ना? हाँ मैंने पहले भी बोला था कि आपको टीम नहीं मिल रही है और किसी और को भी टीम नहीं मिल रही है, आप अपनी टीम बनाए, आप उन लोगों को सेंड करते लिंक सेंड कर दें कि भाई तुम्हें नहीं मिल रही मुझे भी नहीं मिल रही है, आओ हम मिलके एक टीम बना लेते हैं बस, मैं आर यू श्योर? मेरा या फिर पहले आप, हैकाथॉन है, मैं ये कर लूँ, मतलब देख लूँ। हाँ आप कर लेंगे, आप कर लेंगे, ये जिनके बारे में सर जफर ने बात की है FSC के स्टूडेंट, उन्होंने तो पूरा हैकाथॉन लीड किया था, उनका पहला हैकाथॉन था, उनको खुद ही उनके टीम मेंबर्स ने बोल दिया था कि आप लीड करें। चलें, सही है, ट्राई कर हाँ लूंगा उसके। थैंक यू। आप ये कर सकते हैं, और सेकंडली अगर आपको नहीं लीड करना है तो आप ऐसा करें, आप लोगों को डीएम करना शुरू कर दें, आप डीएम करेंगे कि आप अगर मेंबर की तलाश में है तो मैं आपकी टीम ज्वाइन करना चाहता हूँ, इस तरह से लोगों को डीएम करना शुरू करें, क्योंकि लोग आपको डीएम नहीं करेंगे, लोगों को नहीं पता कि आपको चाहिए, आप टीम ज्वाइन करना चाह रहे हैं या आप पोटेंशियल नहीं दिखाएंगे अपना, तो फिर लोगों को भी पता नहीं चलेगा, डीएम साथ ज्यादा करना शुरू करें लोगों को, कोई ना कोई आपको टीम मिल जाएगी। दैट्स इट। अच्छा, एक डीएम करने पे ही मेरा क्वेश्चन था, आई डोंट नो क्या, अगर ये थोड़ा अजीब है, बट ऐसा तो नहीं कि वो स्पाम आकर की और फिर हमें निकाल ही दें? नहीं ऐसा नहीं होता, निकाल निकाल ही दे मतलब, मतलब कुछ सर्विस की पॉलिसी होती है कि यू कांट रीच आउट टू एनी इंडिविजुअल डायरेक्टली? नो ऐसा नहीं है, लेवल के सर्वर में ऐसा नहीं है, और जिनको आप डीएम करेंगे वो खुद भी पार्टिसिपेंट ही होंगे, वो कोई मेंटोर या जज या इस तरह से नहीं होगा, वो खुद भी पार्टिसिपेंट होंगे, तो उन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि वो आपको सर्वर से ही निकाल दें या कुछ भी इस तरह से, आप सिंपली उनसे जाके पूछ सकती हैं कि मैंने टीम ज्वाइन करनी है, अगर आपके पास टीम है तो आप मुझे बता दें, अगर उनके पास होगी तो वो बता देंगे, अगर वो नहीं होगी तो वो नहीं बताएंगे, और वो आपको रिप्लाई भी नहीं देंगे, कुछ होते हैं जो रिप्लाई भी नहीं देते। ओके, थैंक यू। ओके सो सॉरी, आपने सॉरी बताया कि ये स्टार्ट 8th ऑफ मार्च से हो रहा है, और ये कब तक चलता रहेगा? आई थिंक ये 15 मार्च तक चलेगा, 8 to 15, होगी नहीं, 15 तक आपको जमा कराने हैं अपने रिजल्ट्स? जी बिल्कुल। ओके। ओके तो आई थिंक हम एंड करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। नहीं, बस क्वेश्चन ही आपसे, वही रिक्वेस्ट है, आप तो जज हैं, इसका मतलब है बस आपने हम सबको नंबर दे देने अच्छे से। नहीं मैं एक्चुअली lablab.ai में जज नहीं हूँ, मैं lablab.me में जज हूँ, बहुत हार्ड डिफरेंट, और lablab.ai जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करते हैं, वहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, और lablab.me जो है वो स्पेसिफिक एशिया में, आई थिंक इजिप्ट में, दुबई वगैरह इन जगहों पे वो वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे मोस्टली अरेबिक जो बोलते हैं ना लोग, वहाँ पे वो लोग आते ओके, यानी वो उनका एक पैनल है जो कि जज करेगा कि किसका जो है वो हैं। टॉप, कोई इसका नंबर होगा कि इस तरह टॉप टेन। से एक्चुअली लैब लैब का इनिशिएटिव चल रहा है, जिस तरह से वो गूगल डेवलपर्स क्लब है चलता है ना, कि हर कंट्री के, हर सिटी के, हर यूनिवर्सिटी में उसका है गूगल डेवलपर्स क्लब का, ठीक है, तो उसी तरह लैब लैब चाह रहा है कि उनका भी लैब लैब इस तरह से ही फैले,
तो वो अभी उन्होंने ये करना शुरू किया है इजिप्ट वगैरह में, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अब इस तरह से मूव करेंगे। तो अभी जो इजिप्ट वगैरह में स्पेसिफिक प्लेस पे किया है तो वहां पे मैं जज हूँ, या ठीक है, ओके, सो एंड करते हैं फिर, ठीक है, तो मैं मामी ना थैंक यू। एंड कर